नमस्कार दोस्तों, डीकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब भाई एकदम अंतिम घड़ी है, परसों परीक्षा है, आज वाली ये क्लास मेरे दोस्त जरूर देख के जाना, है ना। आज मैंने, क्योंकि आप लोग कल ऐसे एकदम भर दिए थे कमेंट्स में, इतना फ्यूल भर दिया मास्टर के अंदर कि तीसरी क्लास चाहिए, चौथी क्लास चाहिए सर, तो फिर मैंने भी इसमें 200 प्लस सवाल आज शामिल कर लिए हैं। लगभग सारा करंट अफेयर्स आज जो बचा हुआ था, यूपी स्पेशल, दिन दिवस सब शामिल हो गया है, ठीक है। तो चिंता नहीं करेंगे, आराम से जो है चीजें करेंगे, कुर्सी पे एकदम टाइट करके बैठ जाओ, क्लास शुरू करते हैं, थोड़ा स्पीड में चलूंगा, है ना, ताकि चीजें आपकी आसानी से कवर होती रहे, याद होती रहे, तो बिंदास तरीके से पढ़ेंगे। आज अंतिम क्लास है, कल आपका जो मन करे करना, है ना। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि क्लास नंबर 2 जो क्वेश्चन वाली है और क्लास नंबर 4 जो आज आपकी है, ये दोनों क्लास एक बार और 2x पे लगा के रिवाइज कर जाना, ठीक है, क्योंकि इनसे सवाल बनेंगे। चलिए तो आज का अपना पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहले जो चीजें हैं वो है चर्चित व्यक्तित्व, ठीक है। चर्चित व्यक्तित्व हमारे कौन कौन है पहले उनको देखते चलते हैं। नवंबर 2023 में न्यायमूर्ति फातिमा बीबी काफी चर्चा में रही थी और नवंबर में ही डेथ हुई है, इनकी निधन हो गया है, से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो वह उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, यही तो इनके बारे में मस्त बात है, मतलब फैक्ट आपको रिमाइंड रखने योग्य है, सही है। वह कर्नाटक राज्य के राज्यपाल पद पर थी, यह गलत बात है। वह मानवाधिकार आयोग की सदस्य थी। मानवाधिकार आयोग आपको पता है क्या कि इसका जो सदस्य और वो जो हेड बॉडी होती है वो किसी न्यायालय के ही जज होने चाहिए। वह किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला मुस्लिम न्यायाधीश भी थी। ये इनके बारे में तीनों फैक्ट सही है। अगला देखते हैं, 2 अक्टूबर 2023 में भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त करा गया है। बोले महिलाओं की क्रिकेट टीम है, किसी मजबूत से आदमी को कोच नियुक्त करो, ढीले वीले आदमी को कोच नियुक्त मत करना। मतलब मजबूत सा आदमी कौन होगा, अमोल मजूमदार। बोले मजबूत से व्यक्ति को महिला क्रिकेट टीम का कोच घोषित कर दो, है ना। वैसे ही आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, तो किसी मजबूत से व्यक्ति को घोषित करो। आगे चलते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र NCCC का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब देखो ये घटना नवंबर दिसंबर की है, इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो जरा लंबा करके, सी पढ़ो, NCCC, है ना। तो कौन बने हैं, वो है लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर, ठीक है। तो कोई कान पे तुम्हारे CCCC कर रहा होगा, NCC तो उसको कहोगे यार ना कर, बस चुप जा यार, ना यार, है ना। तो नायर से आपको याद आ जाएगी यार, पेपर में गोला काला हो जाए बस, बाकी क्या मतलब है तुम्हें इन सब वालों से, तो याद रखना, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही लिखा आएगा, इंग्लिश वाला देख लेना, राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र NCCC, कोई तुम्हारे कान पे CCCC कर रहा है, बोले ना यार बस कर, है ना, ज्यादा सीसी मत करे। जुलाई 2023 में किसे विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिमंडलीय सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया, वो किसे बनाया गया, डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायोदी, ठीक है। इन्हें क्या WTO विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया है। तो मंत्रियों के अध्यक्ष कौन, बोले जो सबसे बड़ा नाम हो मंत्रियों में उसे मंत्रियों का अध्यक्ष बना लो। कौन बन गए, डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायदी, ऐसा लग रहा है 4-5 गांव वाले नाम सब जोड़ के लिख दिए हो। चलो अगस्त 2023 में किस पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, मैंने आपको बताया था NGT आजकल अंधेरे में चला गया है, चर्चा में नहीं है, 2010 में बना था NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मां साहब आपने बताया था कि अंधेरा हो गया है, कोई भी पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो प्रकाश भाई सब से कही रहे प्रकाश जाइए जरा टॉर्च लेके पकड़ के लाइने, जितने भी शैतानी कर रहे हैं ये, है ना, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो किसको नियुक्त किया गया है, प्रकाश श्रीवास्तव, इनसे कहा टॉर्च डाल डाल के देखो, प्रकाश लगा लगा के देखो कि कौन कौन नुकसान पहुंचा रहा है। चलो सितंबर 2023 में MS स्वामीनाथन का निधन हुआ, उन्हें किस रूप में जाना जाता है। तो स्वामीनाथन साहब भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। कमेंट में आप बताओगे कि हरित क्रांति कब भारत में हुई, ठीक है। तो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, चाचा चले गए हैं इसलिए चर्चा में है, सवाल टपकने की पूरी संभावना। आगे चलते हैं, अक्टूबर 2023 में नोबेल का शांति पुरस्कार विजेता लुइस ग्लुक, ठीक है, हालांकि ये चर्चा में थे काफी यूएस के हैं, लुइस ग्लुक का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यह पुरस्कार उनको जो है प्रदान किया गया था
2020 में, ठीक है 2020 में तबीयत मेरी एकदम उचित है ना। कल आपने पता नहीं क्या, रात तो मुझे खांसी हो रही थी, सुबह उठा एकदम टनाटन उठा, दवाइयों के सारे ठीक है, काम चल जाता है, तो आपकी दुआ और दवा दोनों काम कर गई, अभी एकदम ठीक हूं है ना, क्योंकि 2 घंटे की क्लास है लगभग, तो ले लूंगा। चलो तो लुईस गुलुक को याद रखोगे, पूछा जा सकता है ना, नोबेल पुरस्कार विजेता है। जनवरी 2024 में बिल्कुल चटक करंट अफेयर्स है, मान लो मास्टर सवाल बना रहा होगा पेपर का, अखबार उसके नीचे रखा होगा, टेबल पे छाप देगा सवाल, जनवरी 2024 में किसने यूरोपियन निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, कौन बनी है, दीदी बनी है नादिया केल्वेनो, कैसे याद रख लोगे, यूरोपीय बैंक की अध्यक्ष बन गई, बोले नादिया, बोले मैं किसी को कोई पैसा नहीं दूंगी क्योंकि मैं यूरोपीय बैंक की अध्यक्ष हूं, ठीक है। कल मैंने आपको एक पढ़ाया था कि वित्त मंत्री ने जो है संसद में एक जवाब दिया, उसमें कहा कि सरकारी क्षेत्र की एमएसएमई वगैरह को या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम पीएसयूज को सबसे ज्यादा लोन किस बैंक ने दिया, तो बोले कैन ले आओ भाई साहब, कैन भर भर के लोन ले जाओ, मतलब कैनरा। तो ऐसे इनको भी याद रखोगे, नादिया केल्वेनो, बोले किसी से कहलवा लो मैं यूरोपीय बैंक की अध्यक्ष बन गई, किसी को कोई पैसा नहीं दूंगी, ठीक है। चलो, विश्व की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर जिसने नवंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, नवंबर में पदार्पण किया, नवंबर में संन्यास ले लिया, उसके पीछे बहुत कंट्रोवर्सी थी, लेकिन नाम आप याद रखोगे, डेनियल मैकगाहे। कैसे याद रख लोगे कि ट्रांसजेंडर थी डेनियल मैकगाहे, है ना, ट्रांसजेंडर थी, लेकिन ट्रांसजेंडर ने डिनाइल कर दिया कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगी, कोई बात नहीं मैं घर को जा रही हूं अपने, तो डेनियल डिनाइल कर दिया, याद रखोगे, बहुत चर्चा में रही, अगर हाल ही में चर्चित व्यक्तित्व में से आप देखोगे काफी चर्चा का विषय रहा था। आगे चलते हैं, अक्टूबर 2023 में बिम्सटेक, है ना, ऐसा लग रहा है ना कोई बम विस्फोट सा, तो किसको इसका अध्यक्ष बनाया है, याद कराया था फैक्चुअल वाली क्लास में, इंद्रमणि पांडे, बोले इंद्र भी है मणि भी है इनके पास और पांडे जी भी है, बिम्सटेक मतलब बम विस्फोट जैसा कुछ है, बोले नहीं बना दो भाई साहब अध्यक्ष, ठीक है, याद कैसे नहीं रहेगा यार, पेपर में एकदम छपेंगे, चिंता मत करो। आगे चलते हैं, निर्वाचन आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आयकर नियुक्त किया है, सचिन तेंदुलकर और राजकुमार राव, दोनों ऑप्शन में होंगे, दोनों लगाओगे, यहां सिर्फ सचिन भैया हैं अपने, इनको लगाओगे। सचिन तेंदुलकर से याद आया, कौन से नंबर की जर्सी को जो है रिटायर कर दिया था सचिन के सम्मान में, 10 नंबर, सर 7 नंबर भी तो कर दी महेंद्र सिंह धोनी के सम्मान में। आगे चलते हैं, जुलाई 2023 में किसे संयुक्त राष्ट्र निकाय जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, ये है आईपीसीसी, ठीक है, जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र यूएन का आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का अध्यक्ष किसे चुना गया, यह चुना गया है जिम स्केया को, याद रखोगे, जुलाई में है, हालांकि पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन आईपीसीसी, ठीक है, तो आईपीसीसी जिम स्केया, इसको कैसे भी याद कर लेना, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है, जिम स्केया को इसका जो है अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। आगे चलते हैं, जून 2023 में चर्चा का विषय था, इसलिए याद रखेंगे, कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एसटी आयोग से अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किसकी बात करता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है, 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करता है, 338 बी ओबीसी की बात करता है, ठीक है। चलो तो पहले जो है कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा किसने दे दिया, हर्ष चौहान। कैसे याद रख लोगे, बुरा मत मानना मेरे दोस्त, ठाकुर साहब थे, चौहान साहब है, है ना, बोले मैं क्या करूं एसटी आयोग में, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं चला जाता हूं, तो इन्होंने जो है समय से पहले ही इस्तीफा दे दिया। आगे चलते हैं, मई 2023 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष बन गए हैं, किसे नामित किया है, कमेंट में बताओगे, संघ लोक सेवा आयोग का आर्टिकल क्या है, यूपीएससी का आर्टिकल क्या है कि अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर मनोज सोनी को, ठीक है, डॉक्टर मनोज सोनी। कैसे याद कर लोगे, अभी 12th फेल पिक्चर आई थी, उसमें मनोज भैया जो है आईपीएस बने थे 12th फेल में, तो उनसे ही कह दिया, हालांकि ये मतलब अरे प्रभु ये मैं सोचने लगना मास्टर क्या क्या पढ़ाता है, वो कहां यूपीएससी का अध्यक्ष बने, वो तो आईपीएस है, याद करने के लिए बता रहा हूं कि यूपीएससी के अध्यक्ष किने बना दिया, बोले मनोज भैया तुम बहुत फेमस हो रहे हो, ऐसा करो आओ यूपीएससी के अध्यक्ष बन जाओ, बन गए चाचा। आगे चलते हैं, अगस्त 2023 में पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, कार्यवाहक थे, कायर आदमी है, देखो कहां है काकर, अनवर उल हक काकर, ठीक है, अनवर उल हक काकर हमारा छोटा भैया है लेकिन शैतान है। आगे चलते हैं, अक्टूबर 2023 में, भाई स्पीड तो आज इतनी रखूंगा, ठीक है, आपको मतलब अरे ठीक है इतनी तो स्पीड रखोगे ना, एकदम चिंता नहीं करनी है, और क्लास खत्म होने दो, लास्ट में बाद में 5 मिनट का प्रसाद भी देके जाऊंगा परसों पेपर के लिए। चलो, अक्टूबर 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने
राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया है? एक बनाया सचिन तेंदुलकर को, दूसरा बनाया राजकुमार भैया को। नवंबर 2023 में हीरा लाल सामरिया को किस पद पर नियुक्त करा गया है? बोले बेटा हीरा लाल सामरिया, तुम एकदम हमें हीरे जैसी चमकती हुई सूचनाएं देना, कोई भी गड़बड़ झाला किया तो गोली मार दी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं बोला गया है, कहा गया है कि तुम हीरे जैसी हमें चमचमाती हुई सूचना देना। मतलब किस पद पर नियुक्त किया है? मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, एकदम हीरे जैसी चमचमाती हुई सूचनाएं दोगे। याद हो गया कि नहीं हो गया ये बताओ भाई साहब। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन टपकेंगे, क्लास से ही टपकेंगे, और पेपर में तुम्हें हंसी ना आए तब बताना कि मां साहब पेपर करते करते भी आनंद आया है ना। क्लास करते करते तो आता ही है, वो तो आप लोग कहते ही हो। चलो, दिसंबर 2023 में किस भारतीय अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा 2023 का सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी? अगर थोड़ी बहुत रील्स देखते हो, कन्याओं की रील्स के सिवा और कोई रील देखते हो तो एक आध जगह दिख गई होगी। जैकी श्रॉफ बताते हैं कि बोले ऐसे बैगन को चीरो, उसमें मिर्चा लगाओ और जो है चोखा बनाने की विधि बता रहे होते हैं। तो जैकी श्रॉफ को पेटा जो है पेटा इसने पेटा इंडिया द्वारा खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी घोषित किया गया है। आलिया दीदी पे मत टपक जाना कि हे आलिया तुम दिख गई, लो हो जान दो सवाल गलत, लेकिन गोला तुम पे ही काला करूंगा। बेटे वहां गोला काला कर आओगे, एग्जाम तुम्हारा काला हो जाएगा। आगे चलते हैं। सितंबर 2023 में श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका थोड़ा सा ज्यादा चर्चा में है, श्रीलंका से याद आया इसके साथ कौन सा सैन्य अभ्यास करते हैं वो भी आगे प्रश्न है, लेकिन कौन सा करते हैं मैंने याद कराया था। मित्र शक्ति हो तो तुम हमारे मित्र, तुम्हारी शक्ति बढ़ाएंगे, चिंता मत करो। मित्र शक्ति करते हैं। मैं भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो संतोष झा। ठीक है, संतोष झा। ये कह रहे हैं कहां यार झाड़ वाली जगह भेज दिया मुझे, संतोष मुझे संतोष नहीं हो रहा, कहां झाड़ वाली जगह भेज दिया, इनकी इकोनॉमी लैब्स हुई पड़ी है, सब गड़बड़ है और मुझे आपने उच्चायुक्त बना के भेज दिया। कैसी गलत गलत बातें करते हो सर, लेकिन याद हो जाएगा झाड़ वाली जगह पे भेजा है किसे? संतोष झा, बेचारे भाई को हमारे संतोष नहीं आ रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगस्त 2023 में किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क की अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया? भाई साहब कर का काम धाम करना है, टैक्सेशन का बढ़िया हिसाब किताब करना है। बोले किसी बनिए को पकड़ के लाओ, बुरा मत मानना यार, याद कराना है मुझे तो बस, बाकी घर को जाना है। आप कंबल तान के सो जाना, मैं अपने घर को चला जाऊंगा, है ना। तो बोले किसे बना दो? बोले तो अप्रत्यक्ष कर है ना, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर है। बोले सामने से दिख भी नहीं रहा कितना कर है, अप्रत्यक्ष कर है। तो बोले किसी बनियों को पकड़ के लाओ, बढ़िया हिसाब किताब करेगा। तो किसको लाए? बोले संजय कुमार अग्रवाल आए हैं। कैसे? जो CBIC है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष और कर सीमा शुल्क बोर्ड है, उसमें संजय, एक महाभारत वाले संजय थे जो धृतराष्ट्र को सब जो है उसी में देख के बता रहे थे कि वहां वही चल रहा है। तो ऐसे ही बोले संजय, ऐसी निगाह होगी उसकी, कहीं से भी कुछ भी अप्रत्यक्ष कर होगा सबका हिसाब करेगा और बढ़िया बनिया आदमी है। तो संजय कुमार अग्रवाल को याद रखोगे। फरवरी 2023 में यद्यपि पुराना है लेकिन पूछे जाने योग्य सवाल है, योग्य सवाल, जैसे आप योग्य विद्यार्थी और विद्यार्थिनी हो, है ना, नहीं विद्यार्थी विद्यार्थी होता है, ठीक है चलो, तो उसी हिसाब से ये भी सवाल योग्य है। इस पे भी एग्जाम में आने का प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर की तो ऐसी की तैसी, सब प्रेशर उड़ा देंगे बिल्कुल। एकदम परसों पेपर जाने आना, ऐसे एकदम टहलते हुए मस्त बिंदास रैंप वॉक करते हुए जाना, और मैंने बताया है और कुछ लगाना है वहां, एक मोटा सा कुछ गट्ठा सा ले जाना, किताब सा ऐसे ऐसी करके पलटने लगना, दो चार की देख के हवा खराब हो लेगी, बोले अरे ये इतना पढ़ रही दीदी, मेरा कैसे होगा, इसी का हो जाएगा, बाकी दो चार सवाल इसी में गलत हो लेंगे। ठीक है, हमारे सही होने हैं यार, हमें खुद को सिलेक्शन लेना है ना, दुनिया का मतलब है। चलो, फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? वो बने हैं BBR सुब्रणियम। ठीक है, तो BBR सुब्रणियम चचा को याद रखोगे। आगे चलते हैं। जुलाई में किस तिथि को हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है? तो हेपेटाइटिस, बोले 28 रोटी खा ली ससुरे ने, हेपेटाइट, इसका पेट टाइट हो गया है, इतनी रोटी क्यों खाते हो, तीन चार में काम चल जाता है, इतने से ही चला लिया करो, 28 जुलाई हेपेटाइटिस दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं। अगस्त 2023 में BPCL ने किस पूर्व क्रिकेटर को अपना ब्रांड एंबेसडर घोषित किया? BPCL है ना, तो BPCL जैसे कल पढ़ रहे थे, शेख हसीना जी पांचवी बार PM बनी हैं और उनकी पार्टी का नाम क्या है? बाप, बांग्लादेश आवामी लीग पार्टी। ठीक है, ऐसे ही BPCL से पापा जैसी वो आ रही है ना साउंड, बाप जैसी, तो बोले वो कौन है? राहुल द्रविड़, द ग्रेट वॉल कहा जाता था उस आदमी को, दीवार, बोले आउट करके दिखा भैया। तो बोले ऐसे ही आदमी को बनाओ ना, किसी को ऐसे ही किसी व्यक्ति को बनाओ जिसे जो है सब दीवार सा कहते हो। BPCL ने किसको ब्रांड एंबेसडर बनाया है? राहुल द्रविड़ को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाल ही में
अभी तक एक भी सवाल टफ लगा? कोई सारे हलवा है, कोई गाजर का हलवा, कोई मतलब किसका मूंग की दाल का हलवा, कोई सूजी का हलवा। सर मुंह में पानी मत दिलाओ। चलो, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला और सीईओ नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? जया सिन्हा वर्मा या जया वर्मा सिन्हा को। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ या अध्यक्षा के रूप में उनको नामित किया गया है। किसको? जया वर्मा सिन्हा। बोले महिलाओं की जय हो, रेलवे बोर्ड की आप अध्यक्ष बन गई, वाह दीदी वाह। ठीक है, वो वाला सिस्टम। अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी का निदेशक किसको नियुक्त करा गया है? तो नाट्य विद्यालय में याद रखोगे त्रिपाठी जी, है ना, पंकज त्रिपाठी को याद कर लेना, है नहीं वो, लेकिन नाटक वो भी एनएसडी से जुड़े हुए हैं ना, तो नाटक बोले कौन बढ़िया करेगा? त्रिपाठी जी बढ़िया करेंगे, चित्तरंजन त्रिपाठी, याद रखोगे चित्तरंजन त्रिपाठी। ठीक है, और फिर बता रहा हूं, वो पंकज त्रिपाठी को भी भूल के मत जाना, है ना, यूपीआई के ब्रांड एम्बेसडर है, भोला, है ना, ज्ञान से ध्यान से उसकी टैगलाइन है। नवंबर 2023 में एंड्री रोजालिना किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो एंड्री रोजो एलिना। ठीक है, तो ये बनी है आपकी मेडागास्कर की। कहां गया मेडागास्कर? ऑप्शन नंबर बी, याद रख लेना, बस एक यही रह गई जिन्हें मैंने याद नहीं कराया था, है ना, मेडागास्कर। ठीक है, और एंड्री रोजो एलिना, छोड़ो दिमाग गलत गलत जगह चल रहा है, आपको बताऊंगा गरियाओगे। आगे चलते हैं, जनवरी 2024 में रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बन गई है? बिल्कुल चटक करंट अफेयर से, यद्यपि यूपी के सवाल में पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन भाई साहब महिला है इसलिए ध्यान रखोगे, महाराष्ट्र। बोले क्यों? बोले जब महिलाओं को पुलिस महानिदेशक बनाओगे तभी तो राष्ट्र महान बनेगा भारत। बोले महाराष्ट्र बनाना है, महिलाओं को पुलिस निदेशक बनाना है, रश्मि दीदी बन गई रश्मि शुक्ला। आगे चलते हैं, अक्टूबर 2023 में ओडिशा का नया राज्यपाल कौन बना है? तो ओडिशा के बने हैं रघुवर दास, इनको याद रखोगे भूलोगे नहीं। ओडिशा से याद आया, नवीन पटनायक भी बन गए थे क्या, दूसरे लंबे सबसे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। ठीक है, किसको पछाड़ के? तो सर वो पछाड़ के बने थे उनको, जो वो थे पश्चिम बंगाल वाले, और अभी नंबर एक पे कौन है, पवन तामलिंग है। ठीक है, चलो तो चलते हैं आगे, देखते हैं इसके बाद क्या। रघुवर दास, अगस्त 2023 में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति दे दी? वाह दीदी वाह, कौन है? रुचिरा कंबोज। तो बोले रुचिरा दीदी, आपकी रुचि है, हम आपको यूएन में क्या कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त कर रहे हैं, लेकिन दीदी प्लीज बोझ कम लेना, कम बोझ, कम ले बोझ कम लेना, आपकी यद्यपि संयुक्त राष्ट्र में रुचि है, रुचि का कम बोझ, लेकिन दीदी बोझ कम लेना, ज्यादा टेंशन मत लेना। जून 2023 में किस विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? वो है सेलिस्टे साउलो। ठीक है, सेलिस्टे साउलो को भी याद रखोगे, कैसे याद रखते हैं देखते हैं, कुछ मिल जाए। सेलिस्टे साउलो विश्व की पहली महिला महासचिव WMO की। ठीक है, तो सेलिस्टे साउलो। ठीक है, अब देख लो यार, मौसम है, कैसे भी सब सहलूंगा सह जाऊंगा, ऐसे करके कर लो। मौसम जो है, वर्ल्ड मौसम संगठन की पहली महिला अध्यक्षा नियुक्त हुई है सेलिस्टे साउलो। एक आध चीज तो याद भी कर लो, कैसी गंदी गंदी आदतें लगा ली है तुमने कि सर सारा आप ही याद कराओगे। आगे चलते हैं, मई 2023 में किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त करा गया है? बोले ऐसी जांच कर ले, ऐसी जांच कर ले, किसी ने सोची ना हो, सूद समेत जांच कर ले इनकी, जैसे केजरीवाल के पीछे मामला छोड़ रखा है। बोले बिल्कुल सूद समेत जांच कर ले, सुसरा कोई कागज का टुकड़ा मिल जाए, है ना, तो प्रवीण सूद। बोले तुम बिल्कुल प्रवीण हो जांच में, और ऐसी जांच करना कि सूद सहित जांच कर लेना, प्रवीण सूद, केंद्रीय जांच ब्यूरो। पेपर में सवाल आएंगे ना तब मजा आएगा, तब कहोगे लग गया टिक, ओहो आनंद। आगे चलते हैं, चलो मई 2023 में किसका ब्रिटेन के, नहीं तो अगर नहीं सारी चीजें रट तो सकते नहीं, फिर सवाल देख देख के पेपर में देखना करना आए, है ना, तो उससे भी कोई काम नहीं चलेगा। चलो फिर सब पेपर तुमसे कहेगा बैगन। चलो मई 2023 में किसका ब्रिटेन के नए महाराज के रूप में राष्ट्रतिलक हुआ है? तो ब्रिटेन का महाराज अगर कोई कॉलोनियन माइंडसेट का मास्टर होगा, सवाल रख सकता है, कौन? चार्ल्स तृतीय, याद रखोगे चार्ल्स तृतीय। चलो आगे चलते हैं, जुलाई 2023 में मशहूर गायक और ग्रैमी अवार्ड विजेता टोनी बेनेट साहब चले गए, उनका संबंध किस देश से था? टोनी बेनेट कहां से संबंधित थे? यूएसए से। तो टोनी बेनेट याद रखोगे, एक वो लुई ग्लुक करके थे जो नोबेल के शांति प्राइज विजेता थे 2020 में, उनको भी नहीं भूलना है।
जनवरी 2024 में किसे एशियाई विकास बैंक की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? यूरोपियन बैंक की कौन थी दीदी? नादिया। बोले अब मैं अध्यक्ष बन गई बैंक की, तुम्हारी ऐसी तैसी, किसी को पैसा नहीं दूंगी, नादिया। और एशियाई विकास बैंक के कौन बने हैं? वो बने हैं विनय कुमार। बोले ये तो शैतान बन गई यूरोप वाली, नादिया किसी को भी नहीं दे रही पैसा। बोले यहां कोई विनय आदमी बैठा दो, जो बिल्कुल, विनय का क्या मतलब होता है, एकदम सरल स्वभाव का हो। तो एशियाई विकास बैंक, बोले एशिया का विकास करना है, किसी अच्छे से व्यक्ति को बैठा दो, विनय वाले व्यक्ति को बैठा दो। बैठा दिया, तुम भी क्या याद करोगे। इंफोसिस ने किसे अपना ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है? वो किया है आपका राफेल नडाल को, याद रखोगे इंफोसिस, राफेल नडाल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा स्पीड तो पकड़नी पड़ेगी बॉस। चलो, जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात की किस महिला को न्यू डेवलपमेंट बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? वो है थुरैया अल हाशमी, ठीक है, इमरान हाशमी नहीं है, थुरैया अल हाशमी है। आगे चलते हैं, जून 2023 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदाई, ये आप जानते ही हो, श्रीलंका को भी हमने 450 मिलियन रुपया दे दिया कि तुम भी अपने यहां सबका ऑथेंटिफिकेशन बनवा लो। कल मैंने बताया था आधार की तरह लंका भी सब बनवा लेगा, ऐसा बिल्कुल पहचान पत्र बनवा दूंगा, किसी ने सोची ना होगी, ठीक है, कि मुख्य कार्यकारी। तो बोले जे आधार कार्ड पे से सब मामला गड़बड़ हो रहा है, कोई अपनी उंगली मिटा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बोले अमित, किसी का भी कुछ मिटना नहीं चाहिए, सारे आधार के रिकॉर्ड सेफ रहने चाहिए, अमित बिल्कुल एकदम कुछ नहीं मिटना चाहिए, है ना। तो बोले ठीक है सर, आप चिंता मत करो, मैं कुछ भी नहीं मिटने दूंगा, अमित अग्रवाल। अमित का विलोम क्या होता है, आपसे हिंदी में खूब पूछा जाता है, होता है परिमित। आगे चलते हैं, जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? ये किया है सेंथिल पांडियन को, ठीक है। तो पांडे जी है, मतलब पांडियन इनका सरनेम है, पांडे नहीं है, याद रखोगे। इनको जो है राजदूत नियुक्त किया है, कहां? WTO में। और UN की स्थायी सदस्य किस दीदी को नियुक्त किया था? बोले रुचि है आपकी UN में, लेकिन बोझ कम लेना दीदी, रुचिरा कंबोज, ठीक है। आगे चलते हैं, और WTO में कौन हो गए, तो इनको याद रखोगे पांडियन करके। आगे चलते हैं, जुलाई 2023 में किसे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक तटरक्षक बल? तो बोले राकेश बाबू, आप जो है सारे तटों की रक्षा करते रहो, कोई भी सुसरा पंछी पर ना मार पाए। बोले चिंता मत करो, मैं हूं राकेश, सबकी रक्षा करूंगा, सारे तटों पर निगरानी रखूंगा, कतई टेंशन मत लो, ठीक है। तो राकेश पाल साहब बन गए हैं क्या, तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक। आगे चलते हैं, सितंबर 2023 में किसे नेस्कॉम का चेयरपर्सन चुना गया है? तो ना से नेस्कॉम, ना से नाम्बियार, राजेश नाम्बियार, ठीक है। पेपर में गोला काला होना चाहिए, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर तुमसे करंट अफेयर्स का कोई सवाल पूछे तो तुम्हें आंसर भले ही ना याद हो, लेकिन ऑप्शन आते ही गोला काला करने की क्षमता तुम्हारे अंदर है। पेपर के कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, उस हिसाब से पढ़ाई करनी है मेरे दोस्त, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी। मार रट्टा पेले जा रहे हो, मार रटे जा रहे हो, कोनू मतलब नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 41 नवंबर 2023 में भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक कौन है, जिन्हें ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के अध्यक्ष बना दिया गया है? वो कौन है? हमारी दीदी है अनुषा साहा, ठीक है, अनुषा साहा। तो बोले एक अनूठा इंजीनियर, कैसे भी करके याद कर लेना, तुम्हारे आसपास कोई ना कोई इंजीनियर होगा, हो सकता है आप में से बहुत सारे हो। तो बोले इंजीनियर कैसा है, अनूठा सा है, तो ब्रिटेन का है, है ना। तो ब्रिटेन में इंजीनियर का अध्यक्ष जो है, ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के अध्यक्ष किसे बना दिया है, अनूठा सा, तो अनीशा साह याद रह जाएगा, अनूषा साह। दिसंबर 2023 में बिल्कुल चटक करंट अफेयर्स है, पेपर में छपने लायक सवाल है, कौन किसे भारतीय महिला को, किस भारतीय महिला को सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर भारत की पहली मेडिकल ऑफिसर है, रखना प्रभु, मेडिकल ऑफिसर है कौन, फातिमा दीदी, फातिमा बसीम, ठीक है, याद रखोगे फातिमा बसीम, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, मई 2023 में किसे एक्स ट्विटर का नया सीईओ बनाया गया है? वो कौन है? वो है लिंडा यारकिनो, ठीक है। मैंने कैसे याद कर लिया कि अभी हमारा डिकोड एग्जाम हैक हुआ था, आपको पता ही है, ट्विटर पे हमने आपसे भी समर्थन मांगा था और आप सबका धन्यवाद पुनर्पित करता हूं कि आपने दमदार तरीके से साथ दिया। तो ट्विटर वाला जो था ना, वो हमारा यार था, इसीलिए उन्होंने हमारी सुन ली, हमारा चैनल वापस कर दिया, लिंडा यारकिनो, ठीक है। तो याद रखोगे यारकिनो, लिंडा यारकिनो एक्स के नए कौन बन गए हैं, सीईओ। आगे चलते हैं, नवंबर 2023 में उच्चतम न्यायालय के पूछा जा सकता सवाल है, तीन नए न्यायाधीश बने हैं, टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं? सर 33+1=34 न्यायाधीश होते हैं। संविधान की शुरुआत में सर 7+1=8 थे। सर मुझे सब कुछ याद है, आप कैसी बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल बताओ दीदी,
1, 2, 4 ठीक है। चलो कैसे याद करोगे, लो ये भी ध्यान रखने की बात बता देता हूं। बोले जब हम सुप्रीम कोर्ट बना था ना, काफी पहले बना है, तब बोले 1 लीटर फुल क्रीम दूध, कितना 1 लीटर फुल क्रीम मतलब सुप्रीम कितने रुपए का आता था, सर 24 रुपए का आता था। तो 1, 2, 4 याद रखोगे सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल। आगे चलते हैं, 1, 2, 4 सही, 1, 2, 3 किसके लिए, अध्यादेश के लिए, अध्यादेश मिनटों में आता है तुरंत, तो बोले 1 मिनट 2 मिनट 1, 2, 3 फट रेडी गो, तुरंत बन गया, तो अध्यादेश 123। चलो आगे चलते हैं, कहां सर आप पॉलिटी में चले गए, करंट अफेयर्स पढ़ाते पढ़ाते, दीदी कभी कभी करना पड़ जाता है। चलते हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं सवाल, कौन से न्यायाधीश है भैया जिसे नहीं बनाया है, जॉर्ज मसीहा बने हैं, रघुवर दास, ये तो सर अभी आपने पीछे बता दिया क्या, ओडिशा के चाचा को राज्यपाल बनाया गया है, तुम कहां चले सुप्रीम कोर्ट, संदीप मेहता और सतीश चंद्र शर्मा, एक पंडित जी है, एक मेहता जी है, एक मसीह है, मतलब वही वाला बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला कॉन्सेप्ट है, सबको बना दिया, याद रखना भूलना मत इनमें से, अगस्तीन, जॉर्ज मसीह, संदीप मेहता, सतीश चंद्र शर्मा। आगे चलते हैं, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की तीन प्रमुख, तीन कहां से आ गया, प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है, तो CISF की प्रमुख कौन बनी है, नीना सिंह, ठीक है नीना सिंह। तो याद रखोगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की हेड कौन बनी है, नीना सिंह, ठीक है। प्रभु आज और दुआ कर देना, तबीयत बस सही रहे हैं। चलो चलते हैं आगे, 32वां बिहारी 2022 किसे मिला है, मिला था साल के शुरुआत में, ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी दोबारा नहीं मिला है तो पूछा जा सकता है, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, बिहारी पुरस्कार किसे मिला, माधव हांडा को, ठीक है याद रखोगे डॉक्टर माधव हांडा, ठीक है। चलो ये बिहारी, व्यास, सरस्वती है ना, ज्ञानपीठ सारे लगाए हैं तो याद रखना। चलो मई 2023 में, अब ये पुरस्कार आ गए, यहां से व्यक्ति हमारे चले गए, पुरस्कार आ गए, मई 2023 में किसे 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कौन, ज्ञानपीठ बोले जिसकी ज्ञान में पीठ तक ठुका हुआ ज्ञान है, कौन है, दमदार आदमी होगा कोई, मौज कराता रहता होगा जैसे मास्टर कराता रहता है, किसको मिला है, दामोदर मौजे, तो बोले ज्ञानपीठ जिसकी पीठ तक ज्ञान है ना, गले तक तो सुना था, पीठ तक भी ज्ञान होता है, मास्टर ने बताया है, कौन होगा, बोले दमदार आदमी होगा, मौज कराता रहता होगा, दामोदर मौजो। आगे चलते हैं, जून 2023 में यूके इंडिया अवार्ड्स में किसे ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो यूके में मिला है ग्लोबल इंडियन आइकन, मतलब वैश्विक रूप से इंडियन आइकन कौन है, इंडियन आइकन कौन है ऑफ द ईयर, वो है मैरी कॉम दीदी, ठीक है याद रखोगे मैरी कॉम दीदी को। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, जुलाई में किसने स्टेट गवर्नेंस ऑफ इंडिया 2047 के तहत स्कॉच प्राइज जीता है, वो किसने जीता है, वो जीता है जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन, क्यों याद रखोगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर जीत रहा है, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर अगर कोई जीत रहा है तो चर्चा का विषय है जम्मू कश्मीर, याद रखोगे। स्कॉच प्राइज जो है किसे मिला है, स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को मिला है, भूल के मत जाना दोस्त। चलो जुलाई 2023 में किस भारतीय फुटबॉलर को पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो प्रदान किया गया है लातियानुज आला चंगटे, तो ये भारतीय फुटबॉलर हैं, ये इतनी फुटबॉल में लात मार दी, इतनी फुटबॉल में लात मार दी, लातिया नुआजा चंगटे, ठीक है नाम याद रह जाएगा, फुटबॉल में लाती लाते बेल दी ढंग से, फुटबॉल घूम रही है इधर से उधर, ले नू करके और नू करके इधर से उधर घूम रही है, बोले प्रभु लात मारना बंद करो, तुमको ही फुटबॉल का भारतीय खिलाड़ी हो, आपको ही पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित कर देते हैं, फुटबॉल पे दया कर लो, ठीक है तो याद रह जाएगा। आगे चलते हैं, पेपर में गोला काला करके आना और ऐसे करके पूरा मेमोरी पे वाइपर लगा देना, उसके बाद सब दिमाग खाली, मस्त आराम से आके एक पिक्चर देखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सितंबर 2023 में कितने शिक्षकों को 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कितने, 75 मास्टरों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकारी टीचर होते हैं उनके बेहतरीन योगदान के लिए उनको दिया जाता है। आगे चलते हैं, अक्टूबर 2023 में भारत के मुख्य न्यायाधीश को किस संस्था ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप प्रदान किया है, तो DY चंद्रचूड़ को मिला है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, नरेंद्र मोदी मत लगाया ना अलग से, अगर पूछे DY चंद्रचूड़ भैया को मिला है, ठीक है, और किसने दिया है, वो दिया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, आपकी हार्वर्ड लॉ स्कूल, सॉरी यूनिवर्सिटी कह रहा हूं, हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वो अवार्ड दिया है। आगे चलते हैं,
अक्टूबर 2023 में प्रदान किए गए 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? आलिया दीदी है और कृति सेनन है, दोनों है, ठीक है, आलिया दीदी और कृति सेनन, ठीक है, तो ए और बी, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही। आगे चलते हैं, नवंबर 2023 में बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को मिला है, बुकर पुरस्कार, है ना, तो याद रखोगे बुक कर लिया इन्होंने, पॉल लिंच, ठीक है, बुकर पुरस्कार, तो कैसे याद रख लो, लिंच मतलब लिचिंग समझते हो, भीड़भाड़ में एकदम खींचातानी चल रही है, तो पॉल लिंच, बोले लिंच हुई हुई है, लिचिंग हुई हुई है, खींचातानी चल रही है, बुकर पुरस्कार, मैं अपना पुरस्कार ही बुक कर लेता हूं, बाहर में जाए दुनिया, पॉल लिंच, ठीक है, तो लिंच है, इसलिए इन्होंने पुरस्कार को अपना बुक कर लिया है। सर पेपर में सवाल आने दो, ऐसा गोला काला करूंगा कि गोला भी याद रखेगा कहां फंस गया। आगे चलते हैं, रे जोश जोश में ज्यादा गोला मत काला कर दियो भाई, प्रेम से पेपर दे के आओ, अच्छे से पेपर दे के आना है, ठीक है। चलो, घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार पे ध्यान दो, साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछे जाने योग्य हैं। हिंदी भाषा का पुरस्कार किसको मिला है? संजीव कुमार जी को मिला है। उपन्यास क्या है? मुझे पहचानो, संजीव जी का उपन्यास है मुझे पहचानो, पहचान लेंगे दद्दा, बिल्कुल टेंशन मत लो, साहित्य अकादमी आप ले लो पहले, फिर पहचानेंगे। अंग्रेजी का पुरस्कार दीदी को मिला है नीलम शरण गौर को, उनके उपन्यास के लिए रैक्यूम रागा जानकी, ठीक है, रैक्यूम इन रागा जानकी, ये भी सही है, तो याद रखोगे। साहित्य अकादमी हिंदी वाला किसे मिला है? संजीव भैया को, मुझे पहचानो के लिए, और नीलम शरण गौर, अंग्रेजी पे गौर करना, अंग्रेजी वाला किसको मिला है? नीलम शरण गौर दीदी को मिला है पुरस्कार, और उनकी किताब ये रही। उर्दू भाषा का क्या लिखा है? तो सादिका नवाब शहर को मिला है। उपन्यास का क्या नाम है? राजदेव की अमराई। उत्तर प्रदेश का सवाल है, संस्कृत का और पूछा जा सकता है, एक बार देख लेना, नाम में एग्जैक्ट भूल रहा हूं तो थोड़ा देख लेना, ठीक है, कौन से सही है? जी सारे सही है, कैसी बात कर दी आपने। आगे चलते हैं, तो हिंदी का किसे? संजीव बाबू को। अंग्रेजी पे थोड़ा गौर करना, नीलम शरण गौर, और उर्दू का सदका तो सादिका दीदी को मिला है, सादिका नवाब शहर। आगे चलते हैं, जनवरी में लो, जनवरी की बात चल रही है, बिल्कुल, जनवरी 2024 में किसे तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है? एडवेंचर कौन कर रहा है? सविता कंसवाल दीदी ऐसे एडवेंचर कर रही है जैसे कंस ने किए थे। सविता कंसवाल इतनी कृष्ण जी से पहले पैदा होने वाली समस्त संतानों को मार दिया, एडवेंचर कर रहा है। अच्छा, कृष्ण जी पैदा होंगे तो मैं भी टपका डालूंगा, बिल्कुल चिंतन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, लेकिन उसे क्या पता था, खेला हो गए, खेला हो गया, ठीक है, तो ध्यान रखोगे तेंजिंग नेशनल एडवेंचर अवार्ड, तो दीदी कंस की तरह एडवेंचर कर रही है सविता कंसवाल। आगे चलते हैं, दिसंबर 2023 में गोल्डन आउल पुरस्कार किसे मिला है? तो उल्लू की तरह एकदम गोल्डन आउल है, तटरक्षक वालों को मिला है, है ना, कहां गए कि कौन सा है, भारतीय सशस्त्र बल को, सॉरी मैं तटरक्षक बोल रहा हूं, भारतीय सशस्त्र बल को मिला है, है ना, और तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक अभी हमने देखे थे कौन थे, राकेश पॉल जी थे, बोले चिंता मत करो राकेश, मैं बिल्कुल एकदम सब तरफ एकदम निगाह बनाए हुआ हूं, तट की तरफ से कोई आ नहीं सकता। और गोल्डन आउल अवार्ड किसे मिला है? सशस्त्र भारतीय सशस्त्र बल को मिला है, याद रखोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, दिसंबर में प्रदान किए गए नोबेल पुरस्कार, भाई साहब नोबेल पुरस्कार से सवाल टपकने की पूरी संभावना है, देख लेते हैं। शांति का नोबेल किसको मिल गया? नरगिस मोहम्मदी को मिला है। यह कौन है? ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता है, जेल में दीदी बंद है, नरगिस मोहम्मदी इनको मिला है शांति का नोबेल, बिल्कुल सही बात है। और साहित्य का नोबेल किसे मिला है? सर आपने याद करा दिया था, जॉन फांसे, फांस लिया भाई ने साहित्य का नोबेल, ठीक है, तो इनको भी ये भी सही है। अर्थशास्त्र का नोबेल किसे मिला है? जिसके नाम में गोल्डन है उसको मिला है, कहां गए अर्थशास्त्र, क्लाउडिया गोल्डन, ठीक है, तो अर्थशास्त्र का नोबेल। रसायन का याद रखोगे किसको? उनके नाम में एक के में मैगी है, एक के में जूस है, मैं यार सोच रहा था वो सारे ही लिख दूं, चलो खैर कोई बात नहीं, है ना, उनको देख लेना, एक के में मैगी है, एक के में जूस है, तो ऐसा करके याद कर लेना, रसायन का हो जाएगा। ऐसे ही फिजिक्स वाले हैं, उनको भी मिला है, तो ये एक बार देख लेना सारे नोबेल, गलती हो गई, वो दूसरा सवाल शायद होगा, आगे देखते हैं अभी, ठीक है। मेरे मुझे ये था कि मुझे एक स्लाइड ऐड करानी है, वो मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं, सुबह से आज ना तुम्हारे इसी का कीर्तन हुआ पड़ा है कि ये क्लास पूरी हो जाए, मैं और मेरा जो भाई, मतलब भाई जो मेरे साथ यहां वर्क करते हैं, जो पूरा पीपीटी वगैरह तैयार करते हैं, दोनों की सीटी बज गई आज। चलो आगे चलते हैं, तो इसमें तीनों सही हैं,
ये तीन तो याद हो गए, शांति, नरगिस मोहम्मदी, और उसके बाद रसायन वाला मैंने आपको बताया, एक में मैगी है, एक में जूस है उनके नाम में, और रसायन के बाद चिकित्सा वाला मैंने आपको बताया था, वो कौन थे, वो थे कातिया, उसमें था ना कातिया, अब जो है क्या करेगा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसके पीछे, याद कराया पिछली क्लासों में, और ये जो है अर्थशास्त्र वाले क्या है इनके नाम में, गोल्डन है ना, और साहित्य वालों ने फांस लिया, जान फांसे, सब ये तो याद हो गए सर, कैसी बात कर रहे हो आप। जेसीबी साहित्य पुरस्कार बताया था किसको मिला है, मुर्गन भाई, ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, जेसीबी से सब उड़ा दिया उसने, ठीक है, तो इनका उपन्यास भी वही ऐसा ही था, और मिला किसको है, पेरुमल मुर्गन को, ठीक है, पुष्पा भारती को मिला है व्यास सम्मान, अभी आगे देखेंगे। पाल लिंच को कौन सा मिला था, पाल लिंच, बोले लिचिंग हो रही है, मैं अपना पुरस्कार बुक कर लेता हूं, बुकर पुरस्कार, ठीक है, और संजीव कुमार को कौन सा मिला है इसमें से, अभी तो देख के आए हैं, मुझे पहचानो, मैं हूं संजीव, और मुझे कौन सा पुरस्कार मिलेगा, साहित्य अकादमी हिंदी के लिए, आगे चलते हैं। सितंबर में कौन सी अभिनेत्री व नृत्यांगना को दादा साहब फाल्के पुरस्कार याद कराया है मेरे गोलू लाल, कौन सा, बोला था पप्पा से पूछ के देखना, वहीदा रहमान जी को जानते हो क्या, है ना, मुस्कुराहट आ जाएगी पप्पा के चेहरे पे। आगे चलते हैं, वर्ष 2023 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किसको मिला, पेन प्रिंटर पुरस्कार किसको मिला, माइकल रोसेन, इनको बेचारों कोई पुरस्कार नहीं मिला था, रोसेन रोने लग गए, बोले ना मुझे पेन मिला, ना प्रिंटर मिला, ना कॉपी पन्ना, कुछ नहीं मिला, बोले तू चिंता मत कर, तुझे पेन प्रिंटर पुरस्कार दे देते हैं, रो मत, माइकल रोसेन रोने लग गए इसलिए पेन प्रिंटर पुरस्कार दे दिया, बोले चिंता मत कर दोस्त, ले जा तू पुरस्कार ले जा। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा भूलोगे नहीं पूछा जाने योग्य सवाल है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान स्थापना कोई पूछ ले कब हुई, 1975, याद रखोगे तो किसको जो है विश्व भारती पुरस्कार मिला है, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को, ठीक है, भूलना नहीं है दोस्त, हरिदत्त शर्मा, ठीक है, संस्कृत भगवान हरि की दी हुई भाषा है, ऐसे याद कर लो यार, ठीक है, विश्व भारती पुरस्कार। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार मिला है, वो मिला है आपका मध्य प्रदेश को, है ना, मैंने आपको याद भी कराया था जल पुरस्कार में किसको राज्य श्रेणी में मिला है, बोले कहीं भी जल डालो सुसरा सब घूम घाम के मध्य में आ जाता है ना, आज क्या करना अपनी प्लेट में बीच में गड्ढा कर लेना एक, और कहीं से भी जल डालना उसी में आ जाए, बोले कहीं से भी जल डालो मध्य में आ जाता है दीदी, मध्य प्रदेश, भूलोगे कैसे, भूलने नहीं दूंगा। चलो आगे चलते हैं, अगस्त 2023 में वर्ष 2022 के जीडी बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, यह किया गया है मेहता भाई को, नीलेश बी मेहता, ठीक है, तो जीडी बिड़ला और नीलेश बी मेहता, ठीक है, मैंने ऐसे याद कर लिया था कि हम पढ़ते थे सरस्वती शिशु मंदिर में, नीले रंग का स्वेटर था और उस पर बिल्ला लगा के जाना पड़ता था, तो बिड़ला मतलब बिल्ला, और नीलेश भाई को मिला है नीलेश बी मेहता, तो मेहता जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, नहीं छोटा बच्चा था सरस्वती शिशु मंदिर में था, पांचवें तक के बालकों के लाल कलर के स्वेटर होते हैं, छठे से आठवें तक के नीले स्वेटर होते हैं, तो नीले से नीला स्वेटर और बिड़ला मतलब बिल्ला लगा के जाता था, बिल्ला नहीं समझते हो, कतई मतलब शहरी हो रहे हो, बिल्कुल है, बिल्कुल भी देहात पना नहीं है तुम्हारे अंदर, अबे ग्रामीण संस्कृति से जुड़ाव रखो, जड़ है वो आपकी, जड़ को नहीं भूलना चाहिए। आगे चलते हैं, अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को, कि कतई रील वाली दीदी हो रहे हो, मिट्टी देख के भी कह रही है व्हाट इज दिस, ऐसे नहीं करना है। अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को यूएसए का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया, कौन, दोनों अशोक गाडगिल, सुब्रा रमेश, दोनों को मिला है, भूलोगे नहीं, और एक वो पीछे भी इंजीनियर थी दीदी अनीसा, बोले अनूठा इंजीनियर है अनीसा, वो ब्रिटेन वाला वो था, उसको अध्यक्ष बनाया गया था, ये यूएसए दे रहा है सर्वोच्च वैज्ञानिक अशोक गाडगिल। चलो 54 में भारतीय अंतरराष्ट्रीय, अब देखो यह अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, भारत का है लेकिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, तो किसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड मतलब सबसे बेहतरीन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है, वो मिला है आपका एंडलेस बॉर्डर्स को, ठीक है, एंडलेस बॉर्डर को नहीं भूलोगे। आगे चलते हैं, नवंबर 2023 में इसरो की किस महिला वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, वो कौन है, तो वो है बी आर ललितांबिका, मैंने आपको याद कराया था, बोले फ्रांस वाले कह रहे थे, बोले इसरो का एक वैज्ञानिक पकड़ के लाओ, बढ़िया सा नाम हो एकदम, उसको हम पुरस्कार दे देंगे, बी डी ललितांबिका, बोले ये नाम कितना सुंदर सा लग रहा है सर, मैं भी अपनी कन्या का नाम रखूंगी बी आर ललितांबिका, अच्छा नाम है, रखने योग्य नाम है, तो फ्रांस वाले बोले बोले नहीं ले आओ दीदी
धोनी को इन्हें ही पुरस्कार देते हैं। जाओ तुम भी क्या याद करोगे। दिसंबर 2023 में घोषित ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। ठीक है, याद रखना नोवाक जोकोविच, यही चाचा फ्रेंच ओपन में भी जीते हैं। जनवरी 2024 में किसे इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो अभी अवार्ड पढ़ना है अभी हम सारे, किसे प्रदान किया गया है? तो इंडियन ऑफ द अवार्ड दे दिया इसरो को। बोले भाई साहब बहुत बड़े बड़े काम कर लिए तुमने, चंद्रयान 3 भेज दिया सर, मुझे तारीख याद है सर 14 जुलाई 23 अगस्त, आपने याद कराई थी सर, रॉकेट का नाम याद है LVM3M4, और सर और बताऊं और क्या क्या याद है? बताओ दीदी क्या याद है? और सर उसका जो टच पॉइंट था उसका नाम दिया शिवशक्ति, पुराने वाले का नाम दिया क्या कहते हैं शिवशक्ति, है ना, तिरंगा सॉरी, अभी वाले का नाम दिया शिवशक्ति, और सर उनके उसका नाम था रोवर का नाम था प्रज्ञा, और उसका नाम था विक्रम लैंडर का, सर सब कुछ याद है, भूलूंगी नहीं, चलो अच्छी बात है भाई साहब। और आदित्य L1 का भी याद है मुझे, PSLV C57 से हमने आदित्य L1 भेजा। आगे चलते हैं, दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण स्थल को एशिया प्रशांत पुरस्कार के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसको दिया? पंजाब की दो चीजें हैं जिनको मिला है, रामबाग गेट और प्राचीर पंजाब। ठीक है, आगे चलते हैं, अक्टूबर 2023 में विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार, बोले एक तो मैंने भी आपको याद कराया था हेपेटाइटिस, तो बोले हेपेटाइट 28 रोटी खाता है ससुरा, पेट का है ना टाइट होगा, है ना, 28 जुलाई हेपेटाइटिस। और ऐसे ही जो है विश्व खाद्य पुरस्कार, बोले है दी हद हो गई यार, 28 रोटी खाते हैं, है दी कुन, बोले हद हो गई, कौन खाता है? ठीक है, तो खाद्य पुरस्कार मतलब कोई कोई आदमी ऐसा होगा ना, दावत में जाओ, हमारे एक मित्र थे हैं, उनकी मतलब दावत में गए, उनकी तबीयत खराब थी, बोले भैया खाना खा ली, बोले कहां खाया यार, तो बोले क्यों, बोले दो चार रोटी खाई, थोड़े चावल खाए, सब्जी थोड़ा रायता पिया, बोले एक मीठा खाया, दो चार पड़ाके खा लिए, बस बोले थोड़ी सी आइसक्रीम खा रहे, खाया ही ना गया बिल्कुल भी, तो वैसे ही वाला हिसाब है ना, खाद्य पुरस्कार इतना ठूस लिया फिर भी कह रहे खाया ही ना गया। आगे चलते हैं, सितंबर 2023 में वर्ष 2022 के लिए कुल कितने व्यक्तियों को शांति स्वरूप भटनागर, ये बहुत सारी चीजों में दिया जाता है, गणित में, विज्ञान में, ज्ञान में, 12 टोटल आदमी है जिनको दिया गया है शिक्षक पुरस्कार, याद रखना कितने को दिया था, 75 को, है ना। आगे चलते हैं, 41वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? द वन एंड ओनली नरेंद्र भाई मोदी, जान दे देंगे इसके लिए है, वो अमित शाह वाला मीम चलता है ना, चलो खैर ध्यान रखना। तो 41वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है आपके नरेंद्र भाई मोदी जी को। गांधी शांति पुरस्कार, एक इंदिरा गांधी पुरस्कार, एक गांधी शांति है, तो इंदिरा गांधी वाले में तो बम है और एक के नाम में ऐसे ही कुछ है ना, अबू अब्बाद करके है, तो उन दोनों को याद रखना। गांधी शांति किसे दे रहे हैं? ये रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर को। इनकी एक पत्रिका आती है उसको मत भूल के जाना, उत्तर प्रदेश विशेष में पूछा जाती है, उसका नाम है कल्याण पत्रिका। ठीक है, मासिक पत्रिका है, सबसे पुरानी पत्रिका मानी जाती है, वो प्रकाशित होती है गीता प्रेस गोरखपुर से। और गांधी शांति पुरस्कार भी जून 2023 में मिला है, लेकिन 2021 का मिला है। ठीक है, चलो तो चिंता नहीं करनी है, अब जो लप्पू से बालक होंगे वो देखेंगे गांधी शांति 2021, सर दो दो साल पुराने टैलेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, अबे दो साल पुराना नहीं है, 6 महीने पुराने ही है ना, अब कोई चीज मतलब पुराने नाम से दी जा रही है तो फिर क्या कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं, मई 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसको मिल गया? तो द वन एंड ओनली योगी आदित्यनाथ जी को, योगी बाबा को मिला है योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार। चलो एक मैंने याद कराई थी आपको, भारत के बाहर अंबेडकर साहब की नई बड़ी प्रतिमा कहां बन रही है, वो कहां बन रही थी? वो बन रही थी सर मैरीलैंड में, मुझे याद है सर, कैसी बात कर रहे हो आप, भूलूंगी नहीं। सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो जहां होंगी सरस्वती जी वहीं होंगे शिव और शंकर, यानी सरस्वती सम्मान किसको मिला है? शिव शंकर जी को मिला है। भूलोगे कैसे, भूलने की दवाई है ही नहीं हमारे पास, हमारे पास तो याद करने की दवाई है, जिसको खानी हो चले आओ, फिर कह रहा हूं रात में एक बार देख लो, कल भी देख रहे हो तो दूसरी वाली क्लास और ये वाली क्लास जरूर देख के जाना, दो बार पेपर में, है ना, सवाल फंसेंगे फिर आनंद लेना। रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार किसको मिला है? यह मिला है भायखला रेलवे स्टेशन को। नाम देख रहे हो कितना डेंजर है, बोले सर आपको ही दे देते हैं, आपको देख के ही मैं तो डर गई, है ना, तो भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई, इसको मिला है भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार। आगे चलते हैं, अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को स्पिनोजा पुरस्कार मिला है? यह मिला है जोईता गुप्ता को। ठीक है,
जोईता गुप्ता, स्पिनोस, कुछ स्पिन स्पिन जैसा साउंड आ रहा है, और जोईता ऐसा नाम ज्योति होता है ना, इस तरीके का होता है, लेकिन जोईता कौन रखता है, तो ये स्पिन सा इनका नाम है, इसलिए स्पिनोज पुरस्कार इनको मिल गया। भूलूंगा नहीं सर, आगे चलते हैं। जैसा आप तो पढ़ाते जाओ, भूलने की तो ऐसी की तैसी। दिसंबर 2023 में घोषित रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे मिला है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, देखो ये भी बंगाल के थे, ऐसे ही कोई बंगाली सा नाम होगा, सुकृत्रा पाल कुमार को मिला है। ठीक है, याद कर लो दोबारा, व्यास सम्मान पुष्पा भारती को, है ना, और वो क्या नाम है, साहित्य अकादमी हिंदी के लिए संजीव मुझे पहचानो, अंग्रेजी के लिए गौर करो नीलम शरण गौर, और जानकी करके उनकी कुछ बुक है, और उर्दू के लिए उर्दू का सदगा तो सादिका करके कोई दीदी है उनको मिला है। ज्ञानपीठ, किसकी ज्ञानपीठ तक भरी होगी, जो क्या होगा मौज में कराता होगा, जिसको ज्ञान ज्यादा होगा, याद कराया था, फंसेगा सवाल। व्यास सम्मान लो दीदी आ गई, व्यास और पुष्पा, ठीक है, तो पुष्पा को याद रखोगे। व्यास सम्मान किसको मिला है, पुष्पा दीदी को मिला है। ठीक है, जैसे पुष्पा था ना, पुष्पा झुकेगा नहीं, उसकी प्यास ससुर की बुझी नहीं रही थी, पैसा, अभी पुष्पा 2 मूवी आएगी उसमें देखेंगे क्या होगा, ठीक है, तो इतना पैसा कमा लूंगा किसी ने सोची ना होगी, वाला सिस्टम चल रहा था, तो पुष्पा प्यास बुझी नहीं रही थी पैसा कमाने की। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा, मैंने आपको बताया मिस यूनिवर्स है दीदी, शाइन कर रही होगी, एकदम पॉलिश लग रही होगी, क्या नाम है देखो, साइन पॉलिश सा, सर मिल गया डी, सेन निन, दीदी साइन कर रही होगी, पलासियोस, पॉलिश सी लग रही होगी, तभी तो मिस यूनिवर्स बन गई। और 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कहां आयोजित होगी, भारत में 2024 में, यह भी बताया है मार्च में। आगे चलते हैं, सितंबर में किस भारतीय फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि 96 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए की गई है, वो है मलयालम फिल्म, कौन सी, एवरग्रीन इज ए हीरो, है ना, क्या नाम है, एवरीवन इज हीरो, सॉरी एवरग्रीन बोल रहा हूं मैं, एवरीवन इज अ हीरो मलयालम पिक्चर है, इसको मिलेगी। अब तुम कैसी बात कर रहे हो, हीरो बनती सबकी आती नहीं, मेरी जाती, इसको भेजेंगे ऑस्कर में, है ना, पिंक तो चलो अच्छी मूवी है। आगे चलते हैं, किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को वर्ष 2023 का मार्कोनी पुरस्कार मिला है, तो कंप्यूटर वैज्ञानिक को मिला है, किसको मिला है, हरि बाल कृष्णन, मार्कोनी, ठीक है, आवाज युद्ध चल रहा था, बोले मारो पीटो घुसा लात सब चल रही थी, मार्कोनी बोले इनको मत मारो, क्यों, बोले हरि जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, हरि बाल कृष्ण हैं, इन पे कोई कुछ नहीं करेगा, है ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो कंप्यूटर वैज्ञानिक तो है लेकिन मार्कोनी, मारेगा कोई नहीं, ठीक है, कोई भी कुछ नहीं करेगा यार, याद करने के लिए बता रहा हूं दीदी, बुरा मत मानना, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, सिर्फ याद हो जाए, पेपर में गोला काला हो जाए उसके बाद तो ऐसी तैसी। महाराष्ट्र उद्योग का महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार पहली बार मिला है, किसको मिला है, रतन टाटा को, याद कराया था, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, अक्टूबर 2023 में यूरोपीय संसद का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार किसको मिला है, उस दीदी को मिला था जो ईरानी कार्यकर्ता थी, हिजाब के लिए लड़ रही थी और उसकी मृत्यु हो गई थी पुलिस कैद में, क्या नाम है उसका, उसका नाम है महिसा आमनी, ठीक है, महिसा आमनी को नहीं भूलोगे। नरगिस मोहम्मदी कौन है सर, जिनको शांति का नोबेल मिला है वो, क्लाउडिया गोल्डन कौन है, जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है वो, जोईता गुप्ता कौन है, अभी तो बताया था, स्पिन करता हुआ नाम है, स्पिनोजा पुरस्कार इस दीदी को मिला है। दिसंबर 2023 में किसे वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, अभी गांधी शांति पुरस्कार पढ़ के आए थे, वो किसको मिला था गांधी पुरस्कार, सर गीता प्रेस गोरखपुर को, और सर एक फैक्ट आपने और बताया था मुझे याद आ गया, क्या सर, कल्याण पत्रिका गीता प्रेस गोरखपुर जारी करती है, सही है, शाबाश। अब इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है, एक के नाम में बॉम है, एक अली अबू है, मैंने आपको याद कराया था, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलो, जून 2023 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी तो मिल गए थे किन्हें, संजीव जी को हिंदी भाषा के लिए, लेकिन ये युवा पुरस्कार है, तो अतुल कुमार राय, हे अतुल, तुम्हारी किसी से कोई तुलना नहीं है, तुम इतनी कम उम्र में भी साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार जीत गए, ठीक है, तो याद रखोगे। आगे चलते हैं, नवंबर 2023 में इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2022 के लिए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की श्रेणी में रखा, कमाची मुगली, हे भगवान, कमाची मुदाली उलाउला ठांगी, नाम ही ऐसा स्टील सा, ऐसा लग रहा है स्टील पे कोई टंटन सी कर रहा है, ठीक है, तो याद आ जाएगा, राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार, तो धातु विज्ञान पे किसी धातु पे पेलोगे तभी ऐसी आवाज आएगी, कमाची मुदाली उठांगी। आगे चल लो,
जनवरी 2024 में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी इसके ने क्या करा है, बैडमिंटन का सबसे तेज शॉट मारा है चचा ने, ठीक है रिकॉर्ड हो गया ये भी। चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, वह किस खेल से संबंधित है? अरे कैसी बात कर रहे हो, है बैडमिंटन से संबंधित है, ये तो पता है सन ने बताया था खेल के कि इतना तेज शॉट मारा सात्विक, क्योंकि सात्विक खाना खाता है इसलिए इसका तेज शॉट लग गया, सब पढ़ाया है ना। आगे चलते हैं, वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट, तो सबसे बढ़िया एयरपोर्ट किसका होगा? सर जो सबसे महंगा शहर है उसी का तो एयरपोर्ट बढ़िया होगा, कैसी बातें करते हो आप भी, हा 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 वाली स्थिति हो गई, ठीक है। तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? भूलो भूलना मना है, कौन बने हैं? जिनके नाम में रत्न है, क्यों? रत्न महंगा होता है, सिंगापुर सबसे महंगी सिटी है, भारत की सबसे महंगी सिटी सर मुंबई है, कैसी बात कर रहे हो सर, सब कुछ याद है मुझे, है ना, मैं बिल्कुल कुछ नहीं भूली हूं। हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको प्रदान किया गया है? है ये क्या है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, अच्छा वो बुकर पुरस्कार था, ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है यार, ये दोनों अलग अलग होते हैं, कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज, बुकर पुरस्कार तो उन्होंने बुक कर लिया था पॉल लिंच ने, बोले लिचिंग हो रही है, और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसको मिला है? वो मिला है टाइम शेल्टर को, ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार को याद रखोगे, टाइम शेल्टर, ठीक है। आगे चलते हैं, सितंबर 2023 में नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है, नॉर्मन बोरलॉग भारत में माने जाते हैं क्या, विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर स्वाति नायक को मिला है, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग नायक पिक्चर देखी ना आपने, एक दिन का सीएम वो क्या करता है, बोरिंग में घुस जाता है सबकी चढ़ीचर साफ करने, ठीक है। तो सविता नायक और बोरलॉग, बोरा से याद करो बोरिंग, नायक से याद हो जाएगी नायक अनिल कपूर, सब कुछ साफ करके आया हूं तो याद हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं, दिसंबर 2023 में लीफ एक्सिरस लूनर पुरस्कार किसे मिला? तो लूनर से याद रखना किसको मिला है, इसरो को मिला है भारत के, ठीक है। आगे चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का मना, अब दिवस आ गए, यहां से सारे दिवस शुरू हो गए, अब तक हमने क्या पढ़ लिया सर, आपने सारे पुरस्कार पढ़ा दिए सर, सर सारे चर्चित व्यक्तित्व तो पढ़ा दिए, अब पढ़ो दिवस, प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, सारी दीदियां मिलके 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती हैं। पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? जून में सर, मजदूर दिवस हम मनाते हैं। आगे चलते हैं, विश्व जल दिवस की थीम क्या है? तो जल दिवस की थीम क्या थी इस बार? जल और स्वच्छ संकट समाधान, तेजी से परिवर्तन लाना, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्ष 2023 देखो, प्रमुख प्रमुख दिवस देख लो, बाकी वो ऐसा दिवस कोई पूछ लेगा किसी को पता ही नहीं होगा, मतलब एक तो मिडिवल हिस्ट्री के ऐसे सवाल पूछे जाते हैं इनका बस नहीं चले, नहीं तो ये पूछ ले बाबर के, अब क्या बोलूं मैं आगे, ठीक है। तो मतलब बाबर के पजम्मे का नाम क्या था, इनका बस नहीं चलता वो तो, है ना, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं यार। वर्ष 2023 में क्या चाहते हो तुम्हें, हम मतलब पजामे का साइज ले जाके ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? यह आपकी हमारे ग्रह में निवेश करना, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है कमेंट करके बताना। आगे चलते हैं, जितने सवाल पूछता हूं कमेंट के माध्यम से लिख लिए, नोट करते रहा करो ना, बाद में सारे सवालों जवाब एक साथ दे दो, है ना, कमेंट करके एक, और कमेंट तो किया ही करो, है वीडियो लाइक तो आपका मतलब मुझे अब कहना नहीं पड़ता है, आपका अंगूठा खुद चला जाता है, ले ठोक देता हूं रोज, कहता है लाइक कर दो लाइक कर दो, है और उसके साथ साथ लेकिन यार एक अच्छा सा कमेंट जरूर करके आया करो, फ्यूल पड़ जाता है मास्टर में कि हां अब आया आनंद, अब थोड़े से और आनंद से पढ़ाऊंगा, गाड़ी का माइलेज बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। तो कमेंट लाइव में मत करो, अभी नहीं करना है, बाद में जाके किया करो, या अभी चले जाओ पीछे जाके कमेंट कराओ फिर आ जाना। आगे चलते हैं, विश्व मजदूर दिवस, लो आ गया भाई साहब हमारा तो दिवस आ गया 1 मई, आ हा हा दीदी हंस रही है, हंस लो बेटा कोई बात नहीं, है ना, मजदूर दिवस है 1 मई, पुरुष दिवस से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम बेचारे अपने आप इसी दिन को सेलिब्रेट कर लेते हैं, आप तो 8 मार्च को सेलिब्रेट कर लेती हैं। आगे चलते हैं, जून 2023 में सांख्यिकी दिवस, भूल के मत जाना, बहुत पूछा जाता है, 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, दुनिया भर में स्तनपान हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, बच्चों को स्तनपान कराना जरूरी है, आपने ऐड भी देखे होंगे, माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। तो स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया? 1 अगस्त से 7 अगस्त, कैसे याद रख लोगे अगस्त, ठीक है। तो बोले मम्मी बच्चा हुआ है, एकदम पहले दिन से 7वें दिन तक तो कुछ मत खिलाना, खाली स्तनपान कराना, सिर्फ माँ का दूध उस बच्चे को पिलाना, ठीक है। तो 1 से 7 दिन तक, 1 से 7 अगस्त तक। आगे चलते हैं, अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, इसको मत भूल के जाना,
अपना दोस्त क्यों? गांगेय डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश ने राज्य का जलीय जीव घोषित किया है, इसलिए और मत भूलना राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर। सरल सरल वाले कोई दिवस नहीं रखा मैंने, ओजोन दिवस, पर्यावरण दिवस, नौटंकी दिवस, डांस दिवस, मतलब नौटंकी डांस नहीं, लेकिन ये जैसे सरल वाले जो हैं 5 जून 16 सितंबर वाले, चलो है ना। तो 5 अक्टूबर याद रखोगे राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, इसको मत भूल के जाना। विनोद आगे चलते हैं। दिसंबर विनोद कौन है? अरे पंचायत वाला विनोद है बेचारा, है वो है और कोई नहीं है। नवंबर 2000 देख रहा है, विनोद वाला विनोद है। नवंबर 2023 में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया गया? 11 नवंबर। याद रखोगे, भूलना मना है, 11 नवंबर। बोले एक एक करके सबका नंबर आएगा पढ़ने के लिए, सबका नंबर आएगा शिक्षा के लिए, कोई नहीं बचेगा भाइयों बहनों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2023 में मनाए गए अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की क्या थीम थी? तो बालिका दिवस की थीम थी इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स अवर लीडरशिप अवर, ठीक है, तो लीडरशिप की बात कर रहे हैं, कन्याओं में निवेश करने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही पृथ्वी दिवस की थीम भी थी हमारे ग्रह में निवेश कीजिए। आगे चलते हैं। जनवरी 2023 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पूछना ही नहीं है, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे चल लो, विश्व जनसंख्या दिवस, इसको मत भूलना भाई साहब, 150 करोड़ होने वाले हो, 142 करोड़, तो 142.86 करोड़ तो रिपोर्ट ही आ गई, आप हो गए विश्व के नंबर वन बन गए सर, इतनी जनसंख्या कर दूंगा किसी ने सोची ना होगी। ये कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। आगे चलते हैं। वन दिवस कब मनाया जाता है? भूलना मत, वन दिवस मनाया जाता है आपका 21 मार्च 2023 को मनाया गया। और राष्ट्रीय वन अधिनियम कब आया था? वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में आया था। और ये कब मनना है? 21 मार्च को। ये सारे अधिनियम भी याद रखना है ना। टाइगर संरक्षण कब आया? 1973। हाथी संरक्षण कब आया? 1992। पर्यावरण संरक्षण कब आया? 1986। वन संरक्षण कब आया? 1980। वन्य जीव संरक्षण कब आया? 1972। सब याद है मुझे, कुछ नहीं भूला हूं, ऐसा याद कर लूंगा, आप चिंता मत करो, बस पेपर करा दो। अब तो परसों, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल सुबह ही पेपर हो जाए। लाली थोड़ा सबर रखो, आराम से होगा, चिंता नहीं करनी है। चलो, अरे अभी आधे सवाल हुए हैं, अभी आधे और करने हैं यार। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 7 जून को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को मत भूलना, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वो है, तो कब? 7 अगस्त को, ठीक है, हथकरघा, ठीक है, हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। शौचालय दिवस, मास्टर का दिमाग खराब हुआ, पिक्चर देख रहा हो, मान लो कौन सी, अरे वो अक्षय कुमार वाली थी, क्या नाम था, ओहो टॉयलेट एक प्रेम कथा, और उसका एकदम सवाल बना रहा हो पिक्चर देखते देखते, बोले ले तुम भी क्या याद रखोगे, वाह मोदी जी वाह वाला सिस्टम हो जाएगा। 19 नवंबर को याद रखना, 1 और 9, 19 नवंबर को क्या होता है कि जो है विश्व शौचालय दिवस। कैसे याद रख सकते हो? आजकल कहीं आप टॉयलेट या बाहर जैसे जो वो बने होते हैं शौचालय वगैरह, उनमें जाओगे 20 रुपए लेते हैं भाई साहब, तो 20 नवंबर, बोले 20 दो तब जाओगे अंदर, नवंबर अंदर 20 रुपए दो तब जाओगे, बोले 20 नहीं 19 है, बोले ला दे 19 ही दे, तो 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस। भूलोगे कैसे? विश्व क्षय रोग दिवस, टीवी तो आपको पता ही है, 24 मार्च टीवी से याद आया, तपेदिक रिपोर्ट में कितने परसेंट भारतीय हैं, तो बोले सर 27% हैं, 7.5 मिलियन लोगों को अगले साल तक सुधारना है और 2025 तक 75% डाउनफॉल करना है, यह रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है समुदायों को नेतृत्व करने दें, ठीक है, एड्स किसी के छूने उसके साथ खाने उससे नहीं फैलता है, केवल एड्स कैसे फैलता है, लैंगिक संबंध बनाने से फैलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 1 दिसंबर 2023 में मनाए गए विश्व मानवाधिकार दिवस की थीम क्या थी? फ्रीडम इक्वेलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है, ये इसकी थीम थी। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का कब से कब? तो पहले ही उस बच्चे को क्या कर रहे थे, स्तनपान करा रहे थे, और बोले पोषण का भी इसके अगले महीने कह रहे हैं, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक इसके पोषण का ख्याल भी रखना दीदी, 1 महीने का हो गया लल्ला तुम्हारा, पहले 7 दिन तो आपने स्तनपान करा दिया था 1 अगस्त से 7 अगस्त, अब 1 सितंबर से 7 सितंबर तक इसके पोषण का ख्याल रखना, तो पोषण सप्ताह। गौरैया दिवस, ये तो दीदी चली गई है पता नहीं कहां, दिखती ही नहीं है, पूछा जाने योग्य सवाल है, पता चलता है कि आपकी जागरूकता उस पे कितनी है। तो 20 मार्च जैसे 8 मार्च को सारी दीदियां मिलके, नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, है ना, 8 मार्च को सारी दीदियां मिल रही थी विश्व महिला दिवस मना रही थी, वैसे ही 20 मार्च को सारी गौरैया मिल रही हैं और चहक रही हैं, 20 मार्च को क्या मन रहा है, गौरैया दिवस। चलो आगे चलते हैं।
जुलाई 2023 में किस तिथि को विश्व हेपेटाइटिस दिवस बताया था? हेपेट टाइट 28 रोटी खाली। जून 2023 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की क्या थीम थी? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, और वसुधैव कुटुंबकम आपकी G20 का भी नारा था, मतलब स्लोगन था। अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया? ये कब मनाया गया? 25 मार्च को, भूलोगे नहीं। आगे चलते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। बोले प्रिय उपभोक्ताओं, आपको 15% की छूट दी जाती है, मुफ्त 15 मार्च, ठीक है? 15% को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। नवंबर 2023 में आयोजित 8वें आयुर्वेद दिवस की क्या थीम थी? तो आयुर्वेद दिवस की थीम थी क्या? एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, ठीक है, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। आगे चलते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अभ्यास कोंकण, यहां से क्या हुआ, आपके सारे अब युद्धाभ्यास आ गए प्रमुख। तो हमने 2-3 चीजें कवर कर ली, अब करते हैं प्रमुख युद्धाभ्यास। ये भी मिनटों में याद हो जाएंगे, चिंता नहीं करनी, ठीक है। चलो, कोंकण अभ्यास, कोंकण किसके साथ करते हैं? कंकड़ की तरह हमारे गले में अटके हुए थे कौन? ब्रिटिश लोग, ठीक है, हमें आजादी नहीं मिलने दे रहे थे, कंकड़ की तरह गले में अटके हुए थे। सर आप कैसी बात कर रहे हो? तो अभ्यास कोंकण किसके साथ किया है? यूनाइटेड किंगडम के साथ। आगे चलते हैं, डेजर्ट फ्लैग, तो डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान कहां है इनमें से? संयुक्त अरब अमीरात में है। डेजर्ट फ्लैग किसके साथ आयोजित होता है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ आयोजित होता है। अभ्यास कोप इंडिया, कोप मतलब क्रोध, और सब पे अपने कोप की दृष्टिकोण डाले रहता है, दैट इज अमेरिका, सबको शैतान बताता रहता है, खुद सबसे बड़ा शैतान है। तो अभ्यास कोप किसके साथ आयोजित होता है? भारत यूएसए। यह एक सवाल जरूर आएगा, चाहे आपसे मैचिंग में पूछ ले, चाहे आपसे अलग से पूछ ले, सारे अभ्यास अभी याद कर लेंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं, मई 2023 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति का आयोजन किसके साथ किया गया? समुद्र शक्ति का आयोजन, अब देखो इनमें से कौन से ऐसे देश हैं जिसके पास समुद्री समुद्र है? भारत, इंडोनेशिया। सर ये दोनों हैं, इंडोनेशिया उधर नीचे को, इंडोनेशिया के 4 द्वीप कल आपने बताए थे, कौन कौन से? सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक, सर मुझे याद है। और इंडोनेशिया और भारत ने कही, अच्छा तुम्हारी भी पूरा समुद्र समुद्र है, हमारा भी पूरा समुद्र समुद्र है, आ जा दोनों भाई बहन मिलके क्या करते हैं, इंद्र क्या करते हैं, समुद्र शक्ति का अभ्यास करते हैं अपना, ठीक है। जून 2023 में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहले समुद्री साझेदारी अभ्यास का, वो कहां पे हुआ? वो हुआ है ओमान की खाड़ी, संयुक्त अरब अमीरात से पकड़ो, ये आ रह गया है, री अमी मी रात छुप गया कहीं, है ना, टाइपिंग कुछ रह गई है। तो संयुक्त अरब अमीरात के बीच कहां पे हुआ? ओमान की खाड़ी में, ठीक है। तीनों लोग लड़ पड़े, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। बोले मान जा, फ्रांस फ्री में क्यों लड़े फिर रहा भाई, संयुक्त अरब अमीरात ये तो अमीर हैं, हम दोनों गरीब हो जाएंगे। तो भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, ओ मान जा, ओ मान की खाड़ी। आगे चलते हैं, जुलाई 2023 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के किस शहर में सेलवेक्स, अब देखो ये 3-4 है, एक सेलवेक्स है, एक सिम्बेक्स है, एक सिलीनेक्स है, तो जो सिलीनेक्स है वो श्रीलंका के साथ है, सिम्बेक्स है वो सिंगापुर के साथ है, सेलवेक्स है ये किसके साथ है, ये जो है अमेरिका के साथ है। तो सालवेक्स या सेलवेक्स, सालवेक्स ही पढ़ेंगे इसको, सालवेक्स को याद रखोगे, साल, साल से यहां से उठाना, आप समझ गए होंगे, एक अलंकार का नाम है और इसी को मास्टर घरियाता रहता है, तो ये अलंकार इसी के लिए सुशोभित होता है, साल, इसके आगे एक डंडा और लगा लेना, अमेरिका, ठीक है। नौसेना के साथ किस शहर में अभ्यास किया? कोची, ठीक है, कोची केरल में इन्होंने अभ्यास किया है दोनों, कौन सा? सालवेक्स, भारत और अमेरिका। आगे चलते हैं, जुलाई में नोमेडिक एलिफेंट, तो नोमेडिक एलिफेंट भारत किसके साथ करता है? मंगोलिया, गोलिया इसकी राजधानी, मैंने आपको याद कराई थी, मंगोलिया, उलान बटोर, गोलियां आप खा रहे थे बचपन में, वो खाते थे ना मीठी वाली गोली, पिचक पिचक, उसमें 1 रुपए पाउच में खूब सारी निकलती थी, गलती से पूरा पाउच फट गया, गोलियां, मंगोलियां सारी बिखर गई, उलान बटोर जल्दी से बटोर ले, तो उलान बटोर इसकी राजधानी है, और नोमेडिक एलिफेंट ऐसा ही एलिफेंट होता है, गोल गोल सा, गोलिया, तो मंगोलिया को याद रखोगे। नोमेडिक एलिफेंट किसके साथ होता है? भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। सवाल पूछो, जवाब हम देंगे। आ गया सिम्बेक्स, तो सिम्बेक्स को याद रखोगे, सिम्बेक्स किसके साथ है? सिंगापुर के साथ है। सिलीनेक्स पूछे, श्रीलंका के साथ है। सालवेक्स पूछे, तो साल, साल में एक डंडा अपने आप लगा लेना, वो किसके साथ है? अमेरिका के साथ है। सर आने दो सवाल,
भारत और संयुक्त कुर्सी डाल के बैठा हूं डंडा लेके। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन कहां हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात से पीछे भी कर रहे थे डेजर्ट, तो बोले तुम्हारे यहां भी डेजर्ट हमारे यहां भी डेजर्ट, दोनों भाई डेजर्ट में धूल धूल खेलते हैं। ठीक है, चलो राजस्थान। अगस्त सितंबर 2023 में आयोजित होने वाले द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार, ब्राइट सा है, कुछ चमकता हुआ सा है सर, इनमें से कौन चमकता हुआ है? वही मां मिस्री, सफेद सफेद सी चमक रही है। लो कहां गई मिस्री, ये गई मिस्र। ठीक है, तो आयोजित होने वाले द्विवार्षिक बहुपक्षीय है, बहुत सारे लोग हैं इसमें, त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन कहां हुआ? मिस्री में, एकदम ब्राइट थी, चमक सी रही थी। मिस्री से याद आया, आसियान में सॉरी ब्रिक्स में 5 देश और जुड़ गए हैं। अर्जेंटीना की तो मम्मी ने मने कर दी है ना कि तू नहीं जाएगी बेटे। और 5 कौन कौन से हैं सर? 2 ईई वाले हैं, ईरान है, इथियोपिया है। अच्छा, और सर कौन है? 2 अरब वाले हैं, 1 सऊदी अरब, 1 संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, और 1 पांचवा कौन है सर? वहां पर भी मिस्री थी। लो मिस्री खाओ, 5 शामिल हो गए। अरे सर आगे चलते हैं, 3 यूनिवर्सिटी मत भूल जाना यूपी में, जो नई 3 यूनिवर्सिटी बन रही है, कहां कहां? दोनों मामा में, मिर्जापुर मुरादाबाद, तीसरी मां का भैया गा गोंडा में। गोंडा की कौन ये मां पाटेश्वरी, मिर्जापुर में मां भिंदेश्वरी है, और मुरादाबाद का मुरादाबाद राज्य विश्वविद्यालय, भूलना मत दोस्त। आगे चलते हैं, बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ किया गया? ये किया गया सिंगापुर, बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो बोल्ड बेटा बोल, सिंग गा सिंग कर, सिंगापुर सिंग कर, तो एक तो वो था सिंगापुर के बाद, कौन सा था सिलिन, अरे अभी पीछे पढ़ के आए थे। ठीक है, और बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है, मेरे दिमाग से फैक्ट उड़ रहे हैं, चिंता मत करो, पेपर में सब आएंगे। ठीक है, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके साथ? तो बोल्ड, बोल बेटा बोल्ड मतलब बोल, सिंग कर, कुछ गा के सुना, सिंगापुर के साथ। नौसेना अभ्यास वरुण, वरुण हमें आपको पता है किसके साथ होता है? वरुण फ्रांस के साथ होता है। ठीक है, वरुण फ्रांस के साथ होता है। जुलाई 2023 में ऑपरेशन साउदर्न रेडिनेंस का आयोजन कहां किया गया? तो साउदर्न रेडिनेंस याद रखोगे सेशेल्स के साथ किया गया। ठीक है, सेशेल्स में किया गया, सॉरी कहां किया गया? सेशेल्स में, तो साउदर्न रेडिनेस। ठीक है, आगे चलते हैं, अक्टूबर नवंबर काजिंद, तो इंद मतलब इंडिया, काजी मतलब कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के साथ होता है सर। भारत मंगोलिया अभी तो बढ़ के आए थे, एलिफेंट सा था कुछ, सर कैसी बातें कर रहे हो, सब पता है मुझे। चलो आगे चलते हैं, फिर मई 2023 में अल मोहम्मद अल हिंदी, ये भी हमेशा होता है, किसके साथ होता है? अल मोहम्मद अल हिंदी होता है भारत और सऊदी अरब के साथ, नाम भी देखो सऊदी अरब जैसा है, अल मोहम्मद अल हिंदी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगस्त 2023 में मालाबार सैन्य अभ्यास, माला माल कौन है? मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी याद कराई थी, ऑस्ट्रेलिया, और ट्रेलिया काही की ट्रेलिया, कैन भरा, कैन भर के लाना ट्रे में, याद कराई थी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो वही कह रहे हैं, बोले ऑस्ट्रेलिया और माल भर के लाना, मालाबार मार ला भर के, माल ला भर के। ठीक है, तो माल भर के लेके आ रहे हैं, किससे कह रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया वाले से। तो संपन्न मालाबार सैन्य अभ्यास किसके साथ होगा? ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा सर, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आगे चलते हैं, अक्टूबर 2023 में सैन्य अभ्यास संप्रीति, किससे प्रेम दर्शा रहे हैं? एक ही हसीना है, कौन? बांग्लादेश वाली दीदी, उसके साथ हुआ है, उमरोई में हुआ है, संप्रीति प्रेम दर्शा रहे हैं, उमरोई मेघालय में हुआ है। आगे चलते हैं, अगस्त 2023 में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ जायद तलवार, तलवार कहां होती है? अमीरों के पास होती है, बोले निकाल गला तू अपनी तलवार, हमारे पास भी तलवार है, जायद तलवार, संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, उसके बाद अभ्यास ऑफ इंडेक्स, ठीक है, भारत और कितने अफ्रीकन देश, यह सवाल आपसे पूछा सकता है, संभवतः मुझे मतलब हो सकता है दूसरी तीसरी बार हो, लेकिन मुझे ऐसा पता है पहली बार ये हुआ है। 25 अफ्रीकी देश हैं, और अफ्रीकी देश ने किसको बाहर निकाल दिया अफ्रीकी देश की सदस्यता से? नाइजर, बोले तू जा नाइजर, तू जा, तुमसे ना हो पाई बेटा, तुम जाओ, है ना, तो वो भी याद रखोगे। जून 2023 में भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन, है ना, तो एक्वेरियन, एक्वेरियन से याद करो एक्यूरेट, भाई माल चाहिए एक्यूरेट, कुछ भी लेने जा रहे हो, सोया का पैकेट लेने गए, बिस्कुट का डब्बा लेने गए, गलत मत समझा करो यार, बिस्कुट का डब्बा लेने गए, सोया का पैकेट लेने गए, मूंग की दाल लेने गए, गजक का डब्बा लेने गए, सर मुंह में पानी ला दिया आपने, तो उससे क्या कहते हो भाई, माल मुझे बिल्कुल एकदम एक्यूरेट चाहिए, एक्वेरियन, तो एक्वेरियन, एक्स एक्वेरियन अभ्यास किसके साथ हो रहा है? भारत और मालदीव के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं, ला पेरोस 2023 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कहां हुआ है? यह हुआ है हिंद महासागर में, ला पेरोस हिंद महासागर में हुआ है, बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। ला पेरोस कहां हुआ है? हिंद महासागर में हुआ है। ठीक है, चलो, जनवरी 2023 में चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1, अब आ गई पुस्तकें, प्रमुख पुस्तकें जो 8-10 मुझे लगी वो मैंने दे दी हैं आपको, और आपने जहां से पढ़ ली हो वो भी एक बार देख के जाना, पुस्तकें सारी। ठीक है,
चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर वन पुस्तक का विमोचन किसने किया, यह आपका किया है रंजन गोगोई ने। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है जून 2023 में अजय टू योगी आदित्यनाथ, बाबा जी की किताब है, पूछे जाने की संभावना है, किसने लिखी है, शांतनु गुप्ता, बनिया है, बढ़िया दिमाग लगा रहे यार, बुरा मत माना करो, मैं भी बनिया हूं, ठीक है, बढ़िया दिमाग लगाया, बाबा जी के नाम पर किताब लिख दी, चलेगी, शांतनु गुप्ता। अगस्त 2023 में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लेट्स मूव फॉरवर्ड पूछा जान सकने योग्य सवाल है, लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक बुक का विमोचन किया। यह पुस्तक किस किसने विकसित की है, तो एनसीईआरटी और यूनेस्को ने मिलकर विकसित की है, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। जनवरी 2024 में प्रकाशित, बिल्कुल चटक करंट अफेयर्स है, पुस्तक फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है, यह आत्मकथा है आपकी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की। ठीक है, ये जनरल मनोज जी हैं, इन्होंने जो है अपना इसमें ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा लिखी है कि कैसे कैसे क्या क्या नाम है, स्टार्स ऑफ फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, स्टार्स है मतलब उनके वो जो वो होंगे। ठीक है, जुलाई 2023 में केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया, इस पुस्तक के सहलेखक कौन है, डॉक्टर नसीमा मरेकयार और डॉक्टर बाई एस राजन। ठीक है, नसीमा, ठीक है, नसीमा, डॉक्टर नसीमा जी ने लिखी है और डॉक्टर बाई एस राजन ने लिखी है, नसीमा और याद रखोगे, एपीजे अब्दुल कलाम याद रखोगे। जनवरी 2023 में पुस्तक रिवॉल्यूशन इज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम किसने लिखी, ये किसने लिखी, संजीव सान्याल ने लिखी है, सान्याल वो थे ना एक और क्रांतिकारी थे आपके, तो ऐसे ही ऐसी किताब लग रही है, रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया बॉर्न इट्स फ्रीडम। ठीक है, हालांकि पुरानी है लेकिन फिर भी ध्यान रखना। फिर ये देखो, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी, थ्रू द ब्रोकन ग्लास द टीएन सेशन, भारत के सबसे शैतान तो नहीं मतलब खतरनाक आदमी कहे जाने वाले चाचा टीएन सेशन, जिनके विषय में कहा जाता था नाश्ते में नेता खाते हैं बॉस। ठीक है, तो टीएन सेशन थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी। आगे चलते हैं, नए भारत का सामवेद पुस्तक किसके भाषणों का संकलन है, नरेंद्र मोदी जी के भाषणों का संकलन करके उस किताब को नाम दिया है नए भारत का सामवेद। वाह मोदी जी वाह वाली बात है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, मेक इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज बुक के लेखक कौन है, ये हैं अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत, इन सबको आप जानते हैं, उसके नीति आयोग के सीईओ के वो थे ये। ठीक है, तो 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस अमिताभ कांत। जनवरी 2024 में विमोचित की गई पुस्तक संस्कृति के आयाम के लेखक कौन है ना, कल्चर पे बात कर रही है किताब, वो कौन है, तो भारत की कल्चर कैसी है, बड़ी मनोरम है ना, बड़ी मनोरम संस्कृति हमारी है, सबको अपना बना लेते हैं, सब में समा लेते हैं, बहुत सहिष्णु प्रकृति के लोग हैं, तो मनोरमा मिश्रा जी ने किताब लिखी है संस्कृति के आयाम, जनवरी में लॉन्च हुई है, भूलना मत। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी किसके लेखक कौन है, इसके लेखक है ऋषि राज। बोले राज की बात बताऊं, बोले बताओ, किसी से कहोगे तो नहीं, बोले नहीं कहूंगा, बोले कारगिल मैंने अपनी आंखों से देखा था। कारगिल एक यात्री की जुबानी किसने लिखी है, ऋषि राज। ऋषि होंगे वही ऊपर बैठे होंगे, कारगिल की लड़ाई देख रहे होंगे, बोले राज की बात बताता हूं। आगे चलो, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन, अब आ गए प्रमुख महोत्सव या प्रमुख उत्सव या प्रमुख घटनाएं। ठीक है, इनको देखते चलते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन कहां हुआ, मुंबई, आमछे मुंबई। ठीक है, मुंबई हमको जम गई, तो किस स्थान पर हुआ, भूल के मत जाना दोस्त, संस्कृत होगा तो तुम बनारस पकड़ोगे, प्रयागराज पकड़ोगे, ये सब मत पकड़ना, मुंबई में हुआ है संस्कृत का। ठीक है, आमछी मुंबई। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहां हुआ, ये हुआ है दुबई में। ठीक है, दुबई, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की आपसे बात हो रही है, विश्व गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, सरकार सम्मेलन, तो सरकार। ठीक है, वो थे ना सरकार के नाम से अमिताभ बच्चन की याद आ जाती है, दुबई याद रखोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दुबई में मान लो छोटा डॉन बैठा है, वही सबकी सरकार चला रहा है, तो बोले भाई सारे सरकार आ जाओ, मीटिंग होगी तुम्हारी। आगे चलते हैं, जून 2023 में भारत ने किस राज्य संघ शासित प्रदेश में लेवेंडर महोत्सव पेपर में छप सकता है, बहुत सवाल, क्यों, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर नहीं, हैप्पी न्यू ईयर नहीं, सॉरी, क्योंकि इसका केक कटा था, अरे भगवान क्या क्या बोल रहा हूं, क्योंकि 26 जनवरी वाले दिन राज्य ने जो है झांकी निकाली थी लेवेंडर उत्सव करके ही, कौन से में आयोजित किया गया, जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया, भूलोगे नहीं दोस्त, है ना, लेवेंडर की खेती बढ़ाने के लिए। आगे चलते हैं, सितंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय समुद्र शक्ति संगोष्ठी का आयोजन कहां हुआ, समुद्र की बोले शक्ति यही है चाचा सबके, बोले समुद्र पे
पे भी मेरा कब्जा होगा, धरती पे भी मेरा कब्जा होगा, आसमान पे भी कर लूंगा, यही चाचा है सबका। तो समुद्र की शक्तियों का आयोजन कर रहा है कौन? अमेरिका। समुद्र शक्ति का संगोष्ठी का आयोजन हुआ अमेरिका में। सितंबर में फिक्की का वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहां हुआ? तो जितने भी कौशल है नई दिल्ली में सब मिले हैं, है ना, सारे कौशल नई दिल्ली में मिले हैं। प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं ना कौशल बढ़ाओ, है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो कौशल सम्मेलन कहां हो गया? हमारे यहां हो गया। आईएसए की बैठक भी नई दिल्ली में हुई है। आगे चलो, अक्टूबर 2023 में 8वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहां हुआ? सिकंदराबाद। ठीक है, तो मैंने कैसे याद कर लिया कि सिकंदर महान था। अब सिकंदर महान था, घनानंद के समय आक्रमण किया था, याद कैसे करोगे? घनी घन बजाए भाई साहब, ऐसे घन बजाए उसमें सिकंदर, घनानंद के समय आक्रमण था नंद वंश के शासक। फिर दिव्य कला, दिव्य कलाओं से धनी था सिकंदर, तभी तो उसको विश्व विजय प्राप्त करने वाला सिकंदर माना जाता है। खाक की विश्व विजय करी, मां से लेके यहां तक घूमता हुआ आ गया विश्व विजय, मतलब चलो ठीक है। खैर, तो दिव्य कला महोत्सव का आयोजन कहां किया? सिकंदराबाद में, याद रखोगे। आगे चलते हैं, नवंबर 2023 में एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल, मिलेट है ना आपको पता है, मिलेट फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? इंडोनेशिया में। ठीक है, मिलेट फेस्टिवल का आयोजन, एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के साथ कौन सा अभ्यास कर रहे थे? समुद्र शक्ति। तुम्हारे पास भी समुद्र, हमारे पास भी समुद्र, दोनों भाई बहन मिलकर शक्ति दिखाते हैं अपनी। आगे चल लो भाई साहब, दिसंबर 2023 में, सर आज कितने सवाल कराओगे? आज सारे करा के जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। कल तुम ही कह रहे थे क्लास करा दो, क्लास करा, जितना मन हो उतनी देख जाना, पूरी देख के जाओगे, लाभ मिलेगा। आगे चलते हैं, बोर तो मैं होने नहीं देता, कुछ ना कुछ कहानी सुनाता रहता हूं, कुछ ना कुछ बकता रहता हूं, सुनाता रहता हूं। अबे 2x पे लगा के देखो आनंद में। चलो, दिसंबर 2023 में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, अब आयुर्वेद महोत्सव कहां आयोजित हो रहा है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, आयुर्वेद है, आयुर्वेद, आयुर्वेद उससे अंग्रेजी दवाई वालों से कह रहा है कि अब तिरुवनंतपुरम तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, हमारा अपन का महोत्सव बनेगा तिरुवनंतपुरम। तुम्हारा टाइम पूरा हुआ, मेरा टाइम शुरू होता है, अपना टाइम आएगा, कौन कह रहा है? आयुर्वेद तिरुवनंतपुरम। आगे चलो, दिसंबर 2023 में प्रथम भारतीय कला वास्तुकला डिजाइन बिनियल का आयोजन कहां किया? ये किया गया नई दिल्ली में। आगे चलते हैं, नवंबर 2023 में कहां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कहां लगाएगा? यार भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में ही लगाएगा। उत्तर प्रदेश कुछ व्यापार से रिलेटेड काम करेगा, कहां करेगा? इन्वेस्टर समिट लखनऊ में करी थी, बाकी कोई भी काम करेगा तो ग्रेटर नोएडा, नोएडा में करेगा। अगस्त 2023 में विश्व जल सप्ताह का आयोजन कहां किया गया? यह किया गया आपके स्टॉकहोम में। और जल की श्रेणी में जल पुरस्कार राज्यों की श्रेणी में किसे दिया गया? मध्य प्रदेश को। जैसे जल बह के मध्य में आता है, वैसे ही जल को आप स्टॉक करते हो। अरे टैंक में नहीं भरते भाई, टंकी में नहीं भरते पानी, तो स्टॉक कर रहे हो ना जल को। तो विश्व जल सप्ताह सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? स्टॉक करके स्टॉक होम में। अप्रैल में गज उत्सव, गज मतलब हाथी, हाथी उत्सव कहां मनाया गया? ये मनाया गया आपके कांजीरंगा। और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? असम में है। और यहां पे एक आइटम और मिलता है, ठे एक सींग वाला गेंडा। आगे चलते हैं, जनवरी 2023 में किस देश द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ? ग्लोबल साउथ, ये आईआर कभी पढ़ रहे होंगे हम पीसीएस के बैच में, तब देखेंगे। तो ग्लोबल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, हम ही हैं सबके दादा, है ना, ग्लोबल साउथ के दादा कौन? भारत। बोले हम करेंगे आयोजन, तुम क्यों घबरा रही हो दीदी। अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस याद कराई थी, कासे कृषि, कासे कोची, कृषि विज्ञान कांग्रेस कहां आयोजित हुई? कहां गई कोची, ऑप्शन नंबर बी, भूलना नहीं है। जयपुर में बांध सम्मेलन, लखनऊ में इन्वेस्टर समिट, यूपी इन्वेस्टर समिट। नवंबर 2023 में 3rd विश्व हिंदू कांग्रेस कहां आयोजन हुआ? थाईलैंड के बैंकॉक में। विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ है? थाईलैंड बैंकॉक, याद रखोगे। अब कैसे भूल जाओगे, थाईलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं जिनके नाम में था है दो तीन, अभी आगे शायद वो भी आएंगे। दिसंबर नहीं, वो तो हमने कर लिए। दिसंबर 2023 में सरस फूड फेस्टिवल कहां आयोजित हुआ? तो फूड फेस्टिवल हुआ नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश फूड फेस्टिवल होता है लखनऊ में, मैंने याद कराया था, फूडी है, मास्टर फूडी है, लखनऊ से क्लास रिकॉर्ड करता है, आपको पता है। आगे चलते हैं, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं ना, जल्दी हो जाएगा काम। नवंबर 2023 में कहां राष्ट्रीय एससी एसटी हब मेगा कॉन्क्लेव, अभी पीछे पड़ के आए थे, किसने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से कार्यकाल पूरा होने से पहले ही जो है इस्तीफा दे दिया, वो चौहान साहब थे, बोले मैं क्या करूं, है ना। चलो, राष्ट्रीय एससी एसटी हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया? वो किया गया जालौन। ठीक है, अब कैसे भी याद कर लेना, मैं बोल पाने में सक्षम नहीं हूं। तो राष्ट्रीय एससी एसटी हब मेगा कॉन्क्लेव कहां हुआ? जालौन में। ठीक है, आगे चलते हैं, जुलाई
जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया, ये कहां करेंगे, गांधीनगर में। सेमिकॉन मतलब सेमीकंडक्टर रिलेटेड, तो गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गांधीनगर से याद आया, कलोल में मोटा भाई ने पहले नैनो डीएपी का शुभारंभ किया है प्लांट का, उसको भी याद रखोगे। नैनो यूरिया प्लांट उत्तर प्रदेश में दो हैं, आंवला और फूलपुर, उनको भी नहीं भूल के जाना है। मई में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का आयोजन कहां हुआ, तुम्हें लगेगा कहीं बुद्ध वाली जगह पे होगा, बुद्ध हो इसलिए लग रहा है, नई दिल्ली में हुआ है बुद्धम शरणम गच्छामि सम्मेलन, नई दिल्ली। ठीक है, आगे आगे चलो। तीसवां बाल विज्ञान कांग्रेस, कृषि विज्ञान कांग्रेस थी तो कोच्चि थी, और बोले बाल विज्ञान कांग्रेस, बच्चे भी तो इंपॉर्टेंट हैं, अहम हैं, बच्चे क्या हैं, बच्चों का भी कांग्रेस अहम है, तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहां होगी, बच्चे अहम हैं, मतलब अहमदाबाद में होगी। आगे चलते हैं, सितंबर 2023 में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया, तो इंडिया स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी में पहले नंबर पर भी इंदौर थी, इसीलिए इसके पास कर दिया। मैं थोड़ा तेज तेज चलूंगा, घबराना मत मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, सितंबर 2023 में भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया, तो ड्रोन शक्ति, बोले ड्रोन हिडन है, अभी सारे ड्रोन छिपे हुए हैं, जिस दिन कोई आफत आएगी ऐसा करके त्रिपाल हटाऊंगा और सारे ड्रोन क्या कर दूंगा, एक बार में छोड़ दूंगा। तो ड्रोन शक्ति का जो है परीक्षण कहां हुआ, हिडन एयरबेस में हुआ। यार भूलना तो है ही नहीं, भूलने वाली दवाई है ही नहीं अपने पास। आठवें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ, नई दिल्ली में हुआ। विश्व जल सप्ताह का जल सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ, जल स्टॉक करते हैं, स्टॉक होम में हुआ। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ, तो सुरक्षा कर्मियों की जय हो, मतलब जयपुर में, सुरक्षा कर्मियों की जय हो मतलब जयपुर में। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ, जय हो, सुरक्षा कर्मियों की जय हो। बांध सम्मेलन भी जयपुर में था, उसको भी मत भूल के जाना। जुलाई 2023 में किस स्थान पर इंटरनेशनल टेंपल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो का आयोजन किया गया, ये कहां गया, वाराणसी में। तू बंजा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझमें, तो इंटरनेशनल टेंपल कन्वेंशन बनारस के घाट फेमस है, इनको भूलना मत, इसलिए बनारस में ही इंटरनेशनल टेंपल कन्वेंशन। लास्ट में रुक के जाना, 5 मिनट की मेरी शुभकामनाएं भी लेते जाना वीडियो में, है ना, ताकि आपका परसों पेपर है, एकदम भय रहित होकर पेपर देके आओ, है ना। आगे चलते हैं, सितंबर 2023 में नुआखाई उत्सव कहां का आयोजन हुआ, तो नुआखाई उत्सव मतलब ओडिशा, ठीक है, नुआखाई, ठीक है, नुआखाई, तो नुआखाई मतलब आगे खाई है, बोले कंबल डाल ले ऊपर, खाई दिखेगी नहीं, दुबक जाएगी, ओडिया मतलब ओढ़ ले, तो ओडिशा में नुआखाई उत्सव, ये तो हर बार मनता ही है, ओडिशा का है। दिसंबर 2023 में गीता महोत्सव का आयोजन कहां हुआ, तो जहां युद्ध हुआ वहीं गीता महोत्सव, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आगे चलो, स्पीड में बढ़ो, भारत का उत्तर प्रदेश का पहला अखिल महिला विश्वविद्यालय, ये तो सर बिल्कुल याद करके जाऊंगा, बोले महिलाओं तुम बिल्कुल सेफ हो मेरे यहां, कतई टेंशन नहीं लेनी, 1:56 लगवा दूंगा, जो भी होती है 46 वगैरह जो भी होती है, यार मैं साधारण आदमी हूं, गोली वोली ज्ञान नहीं मुझे, गोरखपुर में, ठीक है। तो बाबा जी के यहां पहला महिला अखिल महिला विश्वविद्यालय और पहला जल विश्वविद्यालय भी मत भूलना, हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के संबंध में विचार करो, कर लेंगे भाई साहब। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत देश में खोले गए खातों में द्वितीय स्थान पर है, पहले नंबर पर है, कैसी बातें कर रहे हो सर, गलत है। वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान, अब ये यूपी स्पेशल सवाल आ गए आपके पिछले सवाल से, उत्तर प्रदेश विशेष शामिल हो गया, 15-20 मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल जो है वो मैं चिपका रहा हूं। वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान सकल राज्य मूल वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, ये तो बात सही है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में बढ़ा है। आगे चलते हैं, देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कितना है, पूछे जाने की प्रबल संभावना है, कितना है, 8% याद रखोगे, ठीक है, 8% योगदान है। आगे चलते हैं, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट की कंपनी बन रही है, बोले संडीला, ठीक है, सब पेंट ढीला ढीला बना रहे हैं, ये बिल्कुल टाइट पेंट नहीं बना रहे, बेकार पेंट बना रहे हैं सर, बढ़िया पेंट बना रहे, सुसरो उत्तर प्रदेश का नाम खराब कर रहे हो। तो क्या है, मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री कहां बनी है, संडीला। आगे चल लो, 2003 में छठा उत्तर प्रदेश दिवस महोत्सव, छठा मतलब 2018 से शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश दिवस मनना, कब, 24 जनवरी उत्तर 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, और संयुक्त प्रांत 1937 से अस्तित्व में था, वो भी यूपी था, यूनाइटेड प्रोविंस, अब भी यूपी है उत्तर प्रदेश। 1950 24 जनवरी, 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मना रहे हैं, इस बार कौन सा था, छठवां था, 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है, मतलब
2023 वाला है ना, 24 वाला तो होगा, वो सातवां होगा। अब देखो ये पुराना सवाल है, पिछले साल का तो अभी अगर 2024 में पूछ ले तो सातवां है, कंफ्यूज आना मत, 2018 याद रखना, ठीक है। 24 जनवरी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। आगे चलते हैं, फरवरी 2023 में कालिंजर महोत्सव बांदा में होता है, आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर डी, यूपी स्पेशल में हमने पढ़ा है। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश में किस जिले में रेशम कृषि मेला लगा, ये भी बाबा जी के यहां लगा, गोरखपुर में। क्यों, देखे हो ना कि कैसे कुर्सी पे एकदम भगवा रेशमी सी टॉवल पीछे पड़ी रहती है, बाबा जी का भगवा सा शॉल है, वो भी रेशमी रेशमी सा है, बढ़िया सा है मखमल का, तो बोले हमारे यहीं कर लो रेशम कृषि मेला, हमारे यहीं लगा लो, नो टेंशन। आगे चलो, जून में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन को कितना पैसा दिया गया है, 1,000 करोड़ रुपए से नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत की गई है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, जुलाई 2023 में किस राज्य ने वन टैप वन ट्री, है ना, सबसे ज्यादा जो है वो लगाए हमने पौधे पेड़ लगाए हैं, किस राज्य का अभियान है, सर उत्तर प्रदेश का अभियान है, इसमें तो पूछो ही मत। आगे चलते हैं, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश का जलीय जीव गांगे या डॉल्फिन, बोलूंगा छपेगा पेपर में सवाल, कहीं ना कहीं छपेगा, जब छप जाएगा तो पेपर छाप सवाल कहलाएगा। नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 जिलों में जनजातीय संग्रहालयों की, पेपर में बिल्कुल मतलब ऐसे मान लो धरा है सवाल, मास्टर की दिव्य दृष्टि चली गई है पेपर पे, पेपर में सवाल धरा है क्या, जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की बात की है, इनकी संस्कृति को इनहेंस करने के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के पक्ष में आवंटित किया है, कौन कौन से जिले हैं, 3 जिले हैं, कौन कौन से, मिर्जापुर है, सोनभद्र है, महाराजगंज है, संत कबीर नगर नहीं है। इन 3 जिलों को भूल के मत जाना दोस्त, 1 जिला मत, 3 जिले मत भूल के जाना जिनमें विश्वविद्यालय बन रहे हैं, 2 मां वाले, मिर्जापुर मुरादाबाद, 3 गोंडा, ठीक है, इनको भी मत भूलना, सोनभद्र को याद रखना, मैक्सिमम जनजातियां यहां पर हैं, कोई भी जनजाति आए तो मैं ना पता हो सोनभद्र लगा देना, बुक्सा याद रखना बिजनौर में, एक सहरिया को जरूर याद रखना यूपी की जनजाति जो बिल्कुल अलग रहती है ललितपुर में, सहरिया मैंने आपको यूपी स्पेशल पढ़ाते समय भी याद कराया था, बोले अब हमने बहुत सहरिया तुम्हारे साथ रह रहे के हम बिल्कुल अलग चले जाते हैं, ललितपुर में चले जाते हैं, ठीक है, तो ये याद रखोगे। आगे चलते हैं, दिसंबर 2023 में गोरखपुर में लेक क्वीन क्रूज, है ना, तो भाई साहब ये 2-4 क्रूज है इनको याद रखना, लेक क्वीन क्रूज कौन सी नदी में, कौन सी उसमें शुरू किया गया, कहां, योगी आदित्यनाथ ने, राप्ती नदी है ना उसमें है गोरखपुर के पास, सरयू में याद रखना, एक क्रूज अक्षर था कहां, वो था आपका साबरमती में, ठीक है, मोटा भाई ने शुरू किया था। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए किस व्यक्ति को वर्ष 2023 में मरणोपरांत पद्म पुरस्कार मिला है, तो द वन एंड ओनली मुलायम सिंह यादव जी, इनको मिला है, आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के संस्थापक। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी, समझ रहे हो, ग्राम पंचायत लेवल पर और वार्ड लेवल पर डिजिटल लाइब्रेरी, गांव गांव लाइब्रेरी की स्थापना के लिए कितना पैसा दिया है, 300 करोड़ रुपए दिए हैं, नंद बाबा मिशन के लिए 1000 करोड़ थे, यूपी बजट के भी सवाल शामिल है इसमें, बहुत मेहनत लगी है सुबह से मेरी और मेरे साथ वाले उसकी जो टाइप करता है बेचारा, दोनों की सीटी बज गई आज। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में तो बस 4-5 कॉफियों ने काम चला दिया है ना, उत्तर प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, बजट में 14 मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई थी। जून 2023 में किस राज्य ने शक्ति दीदी अभियान की शुरुआत की, शक्ति दीदी पूछे, मिशन सारथी पूछे, मिशन शक्ति पूछे, उत्तर प्रदेश, क्या आंसर होगा, उत्तर प्रदेश, शक्ति दीदी अभियान। आगे चलो, सितंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी, तो भारत उत्तर प्रदेश में कोई व्यापार का काम होगा, कहां होगा, ग्रेटर नोएडा में। दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, समझ रहे हो, तैर रहा है रेस्टोरेंट, तो कहां तैरेगा, जहां होगी नदी, ढूंढो कौन सा ऑप्शन है, प्रयागराज, तुमसे बढ़िया कहां तैर सकता है कुछ भी, ठीक है सर, वैसे तो लखनऊ में भी है, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर याद रखना, गोमती नदी के किनारे है, पेपर में सवाल छपेगा। आगे चलो, वर्ष 2024-22 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी थी, ये वैसे पूछेगा नहीं, 4.2% थी। आगे चलो, सितंबर 2000, सब भाई स्पीड तो पकड़नी पड़ेगी है ना, आपका समय कीमती है, आपको मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। चलो, सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र को औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाने की मंजूरी दी है, कहां, बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बगल में ही सर सोलर स्पेशलिटी बनाएंगे, ये भी मुझे याद है सर, सब कुछ याद है ना, बस पेपर आ जाए अब तो। अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर नौसेना शौर्य संग्रहालय याद कराया था, फैक्ट वाली क्लास में याद करो, नौसेना का शौर्य संग्रहालय है, बोले लखनऊ हमारी राजधानी है, यहीं पे शौर्य दिखवाएंगे, कहां बनाया है, लखनऊ। आगे चलते हैं,
ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा दीदी, आराम से पढ़ लेते हैं, चिंता मत करो, बिल्कुल 240 सवाल हैं, 40 और रह गए हैं, 20 मिनट में उड़ा दूंगा। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण कुल क्षेत्रफल का कितना है, यह है आपका 9.23, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितना होना चाहिए, 33%। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश यदि किसी कृषक की या किसी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको कितने लाख रुपए का बीमा है, 5 लाख। आपको भी पता होना चाहिए अगर आप गांव देहात के बच्चे हो तो, कि अगर किसी कृषक की सांप काटने से, मिट्टी की ढांग में दबने से, बिजली गिरने से, मकान के लेंटर गिरने से, किसी भी दुर्घटनावश एक्सीडेंट में भी यहां तक मृत्यु हो रही है तो उसको सरकार की तरफ से उसका 5 लाख रुपए का बीमा है, बशर्ते कि उसके नाम ग्राम की खतौनी या किसी भी गांव में जमीन होनी चाहिए। तुरंत अपने पटवारी से संपर्क करो, 5 लाख रुपया का बीमा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, ऑप्शन नंबर बी। उसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। आगे चलते हैं, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन हुआ, कहां होगा, वाराणसी, ठीक है। आगे चलते हैं, अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी 51 बसें जिनमें दीदी कंडक्टर होगी, दीदी ड्राइवर होगी और वाह दीदी हवाओं से बात करेगी, मिशन महिला सारथी शुरुआत की उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में खेल नीति और बताया था स्कूटी कहां पे मिलेंगी, है ना, दीदियों को वो मिलेंगी ओडिशा, स्कूटी उड़ाएंगे। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के तहत राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा, 10 करोड़ रुपए के साथ। बोले जा तुझे मम्मी क्या याद करोगे, 10 करोड़ रुपए दे दिए, और कल 10 का नोट दे के आए थे विश्व में यूएन को, बोले भाई साहब हिंदी की बोलचाल बढ़ाओ, $10 मिलियन कल हमने यूएस को दिए, 10 का नोट, बोले तुम भी क्या याद करोगे। आगे चलते हैं, फरवरी 2023 में प्रस्तुत यूपी बजट का आकार कितना था, पूछा जा सकता है अभी भी, कितना आकार था, 6.9 लाख करोड़, याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं, लगभग 7, तो बोले यूपी का बजट है सबको साथ साथ लेके चल रहा है, 6.9 है ना। आगे चलते हैं, वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमान में प्रचलित भावों पर उत्तर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, 46.95, लगभग 47%। वर्ष 2000 बजट अनुमान में उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता कितनी है, GDSP का मतलब जो स्टेट की GDP होती है उसमें ऋण प्रतिशतता कितनी है, लगभग 32.5% है, सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 46.46 something। एशियन फुटबॉल, अब आ गए आपके प्रमुख खेल, ठीक है, तो खेला होवे, अब प्रमुख खेल है, खेल से रिलेटेड सवाल है 30-35, इनको भी कर लो, सब कुछ करा दिया आज मास्टर ने, प्रमुख दिवस करा दिए, जो जो आप कह रहे थे चर्चित व्यक्तित्व करा दिए, प्रमुख घटनाएं करा दी, और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे, यूपी स्पेशल के भी सवाल करा दिए, अब बचा लास्ट में खेला होवे, खेल और बचे हैं, 15 मिनट की क्लास और होगी दीदी, कंप्लीट करके ही जाना, छोड़ के मत जाना, 2-3 मिनट बाद में मास्टर और लेगा। चलो, एशियन फुटबॉल कप टूर्नामेंट 2027 की मेजबानी कौन, किस देश के द्वारा की जाएगी, सऊदी अरब द्वारा की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, भूल भी सकते हो। वर्ष 2022-23 खेले गए रणजी ट्रॉफी, इसको मत भूलना, पेपर में खूब पूछी जाती है, कौन जीता रणजी ट्रॉफी, सौराष्ट्र जीती है, ठीक है। आगे चलते हैं, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां हुआ, मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, दीदी मुक्का ही मुक्का मार रही है, कहां हुआ, भारत में हुआ। आगे देखो, पुरुष की 10वीं जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो हमारे आगे कोई बोल सकता है क्या, ठीक है, हॉकी में कौन जीता, भारत, जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में, जूनियर मुक्केबाजी भी हम ही जीते हैं, तो हॉकी हम जीत गए। हाल ही में दलीप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता, रणजी मत भूलना सौराष्ट्र, दिलीप भाई को मत भूलना कौन, दक्षिण क्षेत्र, तो बोले दिलीप दास है दिलीप, इसीलिए दक्षिण वाले ले जा रहे हो, ले जाओ बेटा, तुम भी क्या याद करोगे। आगे देखते हैं, भारत के भाला फेंक एटलीस्ट, भाला समझते हो ना, जेवलिन जानते हैं सर हम, भाला नहीं जानते, अबे भाला फेंक भारतीय संस्कृति की पहचान है, भाला बताओ किससे तेज भाला फेंकने की संज्ञा दी जाती है। आगे चलते हैं, भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा के संबंध में कथन चेक करो, कर लेंगे सर, नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है, इसने इससे पहले नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2022 में रजत भी जीता था, दोनों बात सही है। आगे चलते हैं, हाल ही में संपन्न 37वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार कीजिए, कर लेंगे सर, राष्ट्रीय खेल है, खेला होवे, कहां पे होवे, तो खेल रहे हैं, दिमाग में विजन करो, खेलने कहां जा रहा हूं, गोवा में जा रहा हूं, गोवा में खेलने जा रहा हूं, अगर मैं 2-2 घूंट पानी नहीं पीऊंगा ना, मेरे गले की लंका लग जाएगी, आप क्या चाहते हो, है ना, तो इसलिए पीता रहता हूं यार।
चलो, महाराष्ट्र 80 स्वर्ण पदक समेत 228 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष स्थान पे है। दोनों बात सही है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में हुआ, आपको क्या याद रखना है, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में हुआ, शीर्ष पदक प्राप्तकर्ता कौन था, महाराष्ट्र था। आगे चल लो, नवंबर 2023 में संपन्न नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप, सर ये नाम कैसा है, मुझे आज तक खेल समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, जैसा खेल वैसे ही विजेता। देखो सबसे शैतान सा खतरनाक सा नाम कौन है, बेलावन सेंथिल कुमार, ठीक है। नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप नवंबर में हुई है, चटक करंट अफेयर्स है, कोई एग्जामिनर हुआ स्क्वैश खेलने वाला, गड़बड़ हो जाएगा सर, स्क्वैश क्या होता है मुझे भी यार ठीक से पता नहीं। आगे चलते हैं, जनवरी 2024 में भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स गेम बीच गेम, आप समझ लो जैसे ही बीच तुम्हें याद आया, तुम्हें क्या याद आया, गोवा वाले है ना, वो नहीं याद करना है, बीच का हुआ गोवा में, तो क्या हुए हैं बीच हम देखा है ना, गोवा में हमारे हुए थे, ये रहा राष्ट्रीय खेल हुए हैं गोवा में, ठीक है। लेकिन ये बीच गेम कहां हुए हैं, ये दमन द्वीप में हुए हैं, सॉरी द्वीप में हुए हैं, ठीक है, तो द्वीप को याद रखोगे। मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम कहां आयोजित हुए हैं, अभी हुए हैं जनवरी में, जस्ट तुरंत हो के आए हैं बिल्कुल, ठीक है। आगे चलो, अक्टूबर नवंबर, आहा दुखती रख पे हाथ रख दिया सर, दिल दुख गया, बड़ा दर्द हुआ, यू आर ए गुड क्वेश्चन वाली स्थिति, योर क्वेश्चन हर्ट मी, यह वही हो जाएगा, ठीक है। देखो ऑस्ट्रेलिया पांचवी बार एकल, क्या असत्य है, तुम ही असत्य हो, पांचवी बार कह रहे हो, बार बार जले पर नमक छिटक रहे हो, छठी बार जीत गए, छह विकेट से जीते थे, विराट कोहली भैया को गोल्डन बैट मिला, सोने का बल्ला मिला है दोस्त को, सचिन तेंदुलकर का वैश्विक दूत के रूप में, सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर थे इसके, इस विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी, ठीक है, मोहम्मद शमी थे, और मोहम्मद शमी भाई को अर्जुन अवार्ड भी मिला है, घबराएंगे नहीं, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में है, इन्हीं के जनपद में, अमरोहा जनपद में ही इनके नाम से एक स्टेडियम बनेगा। इसके साथ साथ वर्ल्ड कप कुल मिला के भारत के 10 शहरों में मैच हुए थे, फाइनल कहां हुआ था, मोदी जी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, उसको लेकर भी तमाम मीम आप लोगों ने बनाए थे। आगे चलते हैं, तो इसका क्या था, असत्य कौन सा है, तो ए असत्य है, हाल ही में आयोजित विंबलडन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो विंबलडन है, ये देखो विंबलडन है, विंबलडन क्या हो गया, मतलब विंबलडन जैसे मुझे ना, मतलब पता नहीं क्यों विंबलडन जैसे बल्ले बल्ले नहीं होते, वो वाली बल्लियां जो होती हैं, अरे लेंटर बिछता है तो बल्लियां नहीं लगती हैं, बल्लियां, तो विंबलडन से याद करो बल्ली, और बल्ली कहां आपको दिखेंगी, पुष्पा राज के पास है ना, वो चंदन की बल्ली बल्ली सी थी, मुर्गन भाई के पास गया था तो बोले मुर्गन भाई से बात करनी है, दिखाओ चंदन हमारा ऐसा है, ठीक है। तो विंबलडन मतलब बल्ली, और अलका राज मतलब पुष्पा राज है ना, तो कार्लेस अल्काराज जीत गए भाई, पेपर में गोला काला हो जाए कैसे भी ये हो जाए, हे प्रभु याद रहे, है ना। और नोवाक जोकोविच ये जीता है फ्रेंच ओपन में, अभी आगे होगा शायद। पांचवें इंडिया खेलो यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में कौन सा प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा, पदक तालिका में कौन रहा, महाराष्ट्र रहा, ठीक है। और अभी गोवा वाले में भी राष्ट्रीय जो खेल थे उसमें भी जो है महाराष्ट्र नंबर बनते थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी महाराष्ट्र है। जून में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, किस विश्वविद्यालय ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए, कौन करेगा, पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी को सबसे ज्यादा पदक प्राप्त हुए हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। जुलाई 2023 में भारत ने 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, कौन बन गए हैं, ये बन गए सामंत साहब, आदित्य सामंत 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। तो शतरंज और सामंत, सामंत आप समझते हो ना पुराने, अब हिस्ट्री में ज्यादा नहीं जाएंगे, टाइम बहुत हो रहा है, कंट्रोल चलो, तो सामंत साहब जो है वो क्या बन गए, 83 में ग्रैंड मास्टर बन गए भारत के, शतरंज का होता है शतरंज सामंत, ऐसे याद कर लोगे। जुलाई अगस्त 2023 में आयोजित फीफा महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता, कौन जीतेगा, स्पेन, बहुत हुआ पेन क्योंकि जीत गई स्पेन, सब कुछ रह गया फीका, है ना, तो फीफा से याद रखोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, सितंबर 2023 में संपन्न डूरंड कप, इसको मत भूल के जाना, अभी हम देख के आए रणजी कॉफी, कौन रणजी कॉफी कह रहा हूं, ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी कौन जीती थी, सौराष्ट्र जीती थी, दिलीप ट्रॉफी हम देख के आए थे, उसके बाद डूरंड कप को मत भूल के जाना, कौन जीता है, मोहन बागान डूरंड कप का खिताब जीता है, इस टीम ने जीता है। अक्टूबर 2023 में पैरा एशियाई खेल में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, टोटल 29 स्वर्ण पदक जीते पैरा एशिया गेम्स में। पैरा गेम कौन से होते हैं, जिनमें दिव्यांग लोग पार्ट लेते हैं, ठीक है। दिसंबर 2023 में पहले खेलो इंडिया पहले हुए हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए हैं, का आयोजन कहां किया गया, इनका आयोजन किया गया नई दिल्ली में, सबसे ज्यादा पदक कौन ले गया, वो ले जाएगा आपका क्या कहते हैं हरियाणा।
महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का विजेता कौन रहा, तो महिला जूनियर हॉकी का भी, पुरुष जूनियर हॉकी का भी, दोनों हॉकी हमने जीत ली। हॉकी में हमारे सिवा कोई बढ़िया चला सकता है क्या? जुलाई अगस्त 2023 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप ने भारत ने कितने बोले, तीनों आंख, एक आंख, दो आंख और तीसरा नेत्र, तीनों नेत्र पर निशाने लगा दिए, तीन स्वर्ण पदक जीते। किसमें? तीरंदाजी में। आगे चलते हैं, मई जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, अभी याद कर लेते हैं, नोवाक जोकोविच, ठीक है, इन्होंने जीता है। विंबलडन से मैंने याद कर लिया बल्ली, और बल्ली से थे अलकाराज या पुष्पराज, सर याद हो गया, ठीक है। और फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच को कनेक्ट करो फ्रेंच कट दाढ़ी से, जब फ्रेंच कट आदमी दाढ़ी से, मेरी है मान लो, मैं शेविंग अभी फ्रेंच कट कर आया हूं, तो मुझे लोग टोकेंगे, तो मैं क्या कहूंगा, नोवाक, अब कोई वॉक नहीं करूंगा, लोग टोक रहे हैं कि ये कैसी दाढ़ी कटा ली बबुआ, नोवाक। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। चलो एशियाई खेल का बात याद करो, एशियाई खेल कहां हुए, जापान के होंगशू में हुए हैं, ठीक है, क्या नाम है उसका, होंगेई ऐसी करके नाम है, नाम भी तो ऐसे ऐसे होते हैं सुसरे। एशियाई खेल 2023 का समापन हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित खेलों पर विचार कीजिए। भारत ने इस प्रतियोगिता में 107 पदक जीतकर तालिका में तीसरा नहीं, पांचवा नंबर था बॉस, एशियाई गेम्स में भारत का तालिका पदक में पांचवा नंबर था, 107 पदक जीते हैं, यह बात सही है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि तीसरा कह रहे हैं। इसके उद्घाटन में भारतीय ध्वजवाहक हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे, बिल्कुल ठीक है। महिला मुक्केबाज लवलीना दीदी थी, तो लवलीना और हरमनप्रीत सारे मन के प्रिय हैं, लवलीना हैं, इन्हीं को दोनों को ध्वज समा दो, क्या हो जाएगा, केवल दो सही हो जाएगा, पहला गलत हो गया। महिला शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू के संबंध में कौन सा कथन सही है, भारत की दूसरी ग्रैंड मास्टर है, नहीं तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर है, ये उसी की बहन है, जो वो है ना प्रागनंदा, उसी की बहन है वैशाली रमेश बाबू, दोनों बहन भैया ऐसे बैंड बजा रहे हैं, इसका कोई बात नहीं। आईसीसी अवार्ड 2022 के अनुसार पुरुष टी20 क्रिकेटर में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, सूर्या भाई द मैन, क्या है उसका नाम, भूल गया यार, सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन नंबर सी। तो टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है, सूर्या, ठीक है। आगे चलते हैं, जूनियर किस किसी ने बचपन में वाली पिक्चर देखी थी डॉन, वो कौन सी पिक्चर थी, डॉन नंबर वन है, साउथ वाली, सेटवैक्स वाले उसी को देते थे, उसमें था ना सूर्या भाई ऐसे करके वो जो, चलो खैर। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने इसने जीता, तो जूनियर हो चाहे सीनियर, कबड्डी में हमें कोई हरा सकता है क्या, झूल कबड्डी कबड्डी। चलो सितंबर 2023 में मोटो जीपी, ये क्या है, बाइक रेस है भाई साहब, ढुर ढुर वाली, ठीक है। मोटो जीपी का आयोजन किस स्थान में किया गया, ग्रेटर नोएडा, बोले बहुत जगह पड़ी है हमारे यहाँ, तमाम जगह ही जगह है, यहाँ पे दौड़ाओ, बाइक कितनी दूर दौड़ाओगे, तो मोटर जीपी को याद रखोगे सितंबर में ही हुई है। जुलाई में खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान करी, तो हैंडबॉल एसोसिएशन को कर दिया, जुलाई की खबर हो गई, इतनी जरूरी नहीं है, नहीं पूछेंगे। जुलाई 2023 में संपन्न 64वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, ठीक है, का आयोजन कहां किया गया, याद रखोगे जापान, तो मैथमेटिकल ओलंपियाड का आयोजन कहां हुआ है आपका, जापान में, मैथमेटिकल ओलंपियाड जापान, खाया मैथमेटिक्स तेरी बढ़िया हो जाएगी। आगे चलते हैं, सर बकवास कर रहे हो भाई साहब, मेरा दिमाग का दही हो चुका है, 2 घंटे से आपके सामने बकबक कर रहा हूं, अब खत्म होने वाला है, 5 सवाल हो रहे हैं। सितंबर 2023 में संपन्न इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का कौन सा स्थान हासिल करा, 3 गोले 3 हमने तीर जीते थे, तीसरा स्थान था। पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित टेनिस प्रतियोगिता में संपन्न हुई डेविस कप कौन जीता है, तो ये सारे कप, दिलीप ट्रॉफी, डेविस कप, रणजी ट्रॉफी, ये मत भूल के जाना, तो डेविस कप किसने जीता है, डेविस कप जीता है इटली ने, तो डेविस, ठीक है। डेविस कप का विजेता कौन रहा, इटली, इटली वाली दीदी, और इटली ने ही क्या कह दिया है, हम बीआरआई से भाग बाहर होते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स है, और इटली वाली दीदी की ही सेल्फी हमारे बॉस के साथ वायरल हो रही थी। जुलाई 2023 में आयोजित यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, ये किसने जीता, ली शिफेंग ने, ठीक है। यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष वेकर का खिताब जुलाई में हुई है, तो यूएस ओपन का किसने जीत लिया, ली शिफेंग, ठीक है, तो याद रखोगे ली शिफेंग, ठीक है, कैसे भी करके याद रख लेना। चलो आगे चलते हैं, सितंबर 2023 में किस खिलाड़ी ने टी20 क्रिकेट में सबसे तेज गति से शतक बना दिया था, ये कहीं नेपाल उपाल का था, कुशल मल्ला, ठीक है, कुशल मल्ला चल गया बल्ला, याद रखोगे टी20 में पेल दिया शतक, तो कुशल मल्ला चल गया बल्ला, टी20 में लगा दिया शतक और सबसे तेज शतक लगा दिया भाई ने। आगे चलते हैं, नवंबर 2023 में, और याद क्यों रखना है, क्योंकि सितंबर की घटना है तो याद रखना है। नवंबर 2023 में संपन्न 11वें सुल्तान जोहर कप, तुम्हें भी नहीं भूल के जाऊंगा, तो सुल्तान जोहर कप जर्मनी ने जीता है, कौन सा देश,
देश बना विजेता, जर्मनी। दिसंबर तो ये लास्ट के आधा घंटा ना दोबारा रिपीट करके देख जाना, मतलब ये खेल जहां से शुरू हुआ है, खेल खेल में खेला मत कर लेना, पता लगे दो सवाल खेल के आए, सर पढ़ाए थे आपने हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो दिसंबर 2023 में संपन्न विजय हजारे हरियाणा ने सबको हरा दिया। विजय हजारे ट्रॉफी में खिताब कौन जीता? हजारे हरियाणा, भूलूंगा नहीं। आज का अंतिम सवाल, क्लास आपकी खल्लास। चलो तो दो मिनट वार्ता हो जाए, थके तो नहीं हो। चलो कल आपका, परसों सॉरी आपका पेपर है, आज एकदम लेट सोना, रात को जितने बजे तक पढ़ पाओ, 12, 1, 2, 3 सर सोऊंगा ही नहीं ऐसा मत करना, मतलब आज नींद कम लेना, और कल रात को 9 बजे के बाद किताब छूनी नहीं है, ठीक है। चुपचाप आंखें बंद करके सो जाना, मस्त एकदम कुछ व्हाट्सएप फेसबुक चलाते रहना, 2-4 मीम देख लेना, 2-4 रील्स देख लेना, ठीक है। कल रात बढ़िया से नींद लेना, सुबह 10 बजे से 6 बजे तक सो आराम से, क्योंकि 9:30 से आपका पेपर है तो उस हिसाब से जाओगे, आराम से एटलीस्ट 8 घंटे की नींद लेके जाना। जे ना मरे जा रहे रिवीजन, अरे छल मेरा ये रह गया, तो छूट जान दे ससुरे को, रह गया तो है ना, टेंशन मत लेनी है, ठीक है। आराम से उसको रिवाइज करके सारी चीजें रिवाइज कर लो, कल आराम से सो के जाओ, और जो जो जरूरी चीजें हैं आपका आधार कार्ड, ब्लैक पेन 2 ले जाना है ना, एडमिट कार्ड का फोटो 2 प्रिंट निकलवा के ले जाना ससुरे को, खो जाए, ठीक है। ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखना, कूल माइंड से जाना, औरों को डराना है, खुद नहीं डरना है, मोटा सा किताब ले जाओ, नू नू करके ऐसे ऐसे करके पन्ना पलटते रहो, और फिर उसके बाद जो है मस्त तरीके से पेपर देके आना है, बिंदा टेंशन फ्री एकदम टहलते हुए, डू डू वाले स्टाइल में जाना है, मस्त एकदम आराम से पेपर देके आना है। पेपर आपसे बढ़िया किसी का नहीं होगा, फाड़ के आओगे पेपर, चिंता मत करो, तुमसे ज्यादा कौन पढ़ाए मेरे दोस्त, अगर 8 करंट अफेयर्स की क्लास लिए ना, करंट को ऐसा करंट लगाएंगे, चिंता मत करो है ना, तो बिल्कुल चिंता मत करो। और अगर करंट ने हमें करंट लगाया तो वो हमें नहीं लगेगा, सबको लगेगा, मतलब इससे बेहतरीन कलेक्शन आपको मिल नहीं सकता, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं बढ़िया से पेपर के बाद, तब तक के लिए मस्त तरीके से पढ़ते रहो, इस क्लास को और दूसरी क्लास को 2 बार जरूर देख जाना, वीडियो को लाइक कर देना, और आज कमेंट जरूर करके जाना यार कि मौसम मजा सा आ गया, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर और किसी और नई किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, कल एकदम मजा लेना, पढ़ना है, रात को समय से सोना है, परसों पेपर देके आना है, मिलते हैं पेपर के बाद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।